हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनोहर चंदेलिया, टीम जूलोजी। आज हम सॉल्यूशन कर रहे हैं बायोकेम डीटीएस के 22nd पेपर का, जो इवोल्यूशन चैप्टर से है। इवोल्यूशन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें इसकी हर एक लाइन जो है उससे कहीं से भी एनसीईआरटी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए इसकी हर लाइन अपने आप में जो है वो इम्पोर्टेंट लाइन है। इसलिए अगर इसको डीपली ढंग से तैयार कर लिया तो हर एक क्वेश्चन जो है वो इसका करेक्ट हो सकता है। क्लियर, स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी ए मल्टीपल यूज एक्सप्लोजन, बिग बैंग थ्योरी ए मल्टीपल यूज एक्सप्लोजन इमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स। तो यह एक कल्पनीय अनेक महाविस्फोटों का भौतिक रूप है। गलत है ये, इसमें इनकरेक्ट है। ए सिंगुलर यूज एक्सप्लोजन इमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स, ए सिंगुलर यूज एक्सप्लोजन इमेजिनेबल नहीं होगा। ये जो दे रखा है ये पहले से इमेज की हुई घटना नहीं है, यह अन इमेजिनेबल होता है, तो ये भी इनकरेक्ट। ए सिंगुलर यूज एक्सप्लोजन अन इमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स, ये इसके लिए करेक्ट होगा। ये एक अनूठी घटना है जिसमें पहली बार जो है वो यूनिवर्स की ओरिजिन हुई थी बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो ये इसमें करेक्ट होगा। मल्टीपल यूज एक्सप्लोजन ये भी इनकरेक्ट है, सिंगुलर एक्सप्लोजन होता है, तो ये इसमें करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा, इसका थर्ड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच वन करेक्ट अबाउट अर्थ, अर्थ के बारे में इनमें से करेक्ट क्या है। तो इसमें आप देखें आउटसाइड द सोलर सिस्टम बट इनसाइड द मिल्की वे गैलेक्सी, इनकरेक्ट है। इनसाइड द सोलर सिस्टम बट आउटसाइड द मिल्की वे गैलेक्सी, ये भी गलत है। इनसाइड द सोलर सिस्टम बट आउटसाइड द मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी के आउटसाइड में नहीं हुआ था, मिल्की वे गैलेक्सी के सौर मंडल से ही, उसी के सोलर सिस्टम से जो है वो अर्थ की ओरिजिन हुई थी, तो ये भी इनकरेक्ट है। इन द सोलर सिस्टम ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी के सोलर सिस्टम में इवोल्व हुआ था, तो ये इसका थर्ड आंसर होगा। उसके बाद आप देखें इन द मिल्की वे गैलेक्सी ऑफ सोलर सिस्टम, इन द मिल्की वे गैलेक्सी ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के मिल्की वे गैलेक्सी में, गलत है। तो कौन सा सही होगा इनमें, ये मिल्की वे गैलेक्सी के सोलर सिस्टम में जो है वो अर्थ की ओरिजिन हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, थर्ड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द यूनिवर्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम अर्थ, सॉरी ये फ्रॉम अर्थ जो है वो इसमें मिसप्रिंट है, पृथ्वी से कब हुआ, तो पृथ्वी से इसकी ओरिजिन नहीं है, पृथ्वी पर यूनिवर्स की ओरिजिन हुई है, ठीक है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, अभी थोड़ा सा इसको कंसिडर कर लें कि इसमें यूनिवर्स इज फॉर्म्ड, तो यूनिवर्स की ओरिजिन जो है वो कब हुई थी, यूनिवर्स का ब्रह्मांड का निर्माण कब हुआ था, इसमें बिफोर ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स एगो, तो ये लगभग 20 बिलियन वर्ष पूर्व जो है वो यूनिवर्स की ओरिजिन हुई थी। क्लियर। तो करेक्ट आंसर जो है वो इसका क्या आ जाएगा, फर्स्ट आंसर जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 4, देयर वॉज नो एटमोस्फियर ऑन अर्ली अर्थ, स्टार्टिंग में अर्ली अर्थ पर जो है वो किसी तरह का एटमोसफियर वायुमंडल नहीं था, एट दैट टाइम वाटर वेपर रिलीज्ड फ्रॉम, उस टाइम वाटर वेपर मिथेन अमोनिया ये सब किससे इवोल्व हुए थे, ये उसके मोल्टन मास से इवोल्व हुए थे, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए इसका, मोल्टन मास। क्लियर। तो जिस टाइम अर्थ पर प्रिमिटिव अर्थ जो थी उसके ऊपर जिस टाइम कोई एटमोसफियर नहीं था, उस टाइम पहली बार वाटर वेपर अमोनिया मिथेन इन सब का की जो ओरिजिन हुई थी वो किससे हुआ था, उनके मोल्टन मास से इनका इवोल्यूशन हुआ था, तो सेकंड आंसर इसका करेक्ट होगा, मोल्टन मास। क्लियर। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 5, लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ, लाइफ अर्थ पर कब अपीयर हुई थी, ऑलमोस्ट 4 मिलियन ईयर्स बैक, गलत है, 4 मिलियन ईयर्स बैक नहीं हुई थी, तो ये लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स एगो तो अर्थ की ओरिजिन हुई,
और उसके 500 मिलियन ईयर्स बाद अर्थ पर फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट हुई। इट मींस अर्थ की ओरिजिन तो कब हुई, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, और उसके ऊपर 5 मिलियन ईयर्स आफ्टर अर्थ पर जो है वो फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट हुई, इट मींस 4 बिलियन ईयर्स एगो। क्लियर? तो इसमें ऑलमोस्ट 4 मिलियन ईयर्स, तो मिलियन नहीं ओके 4 बिलियन ईयर्स एगो हुआ, 500 बिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। ये भी गलत है, अर्थ की ओरिजिन के 500 बिलियन ईयर्स बाद नहीं ओके 500 मिलियन ईयर्स बाद हुआ था, ये भी इनकरेक्ट है। 4 बिलियन ईयर्स बिफोर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के पहले जो है वो पॉसिबल ही नहीं थी लाइफ की ओरिजिन, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो गया। 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, फोर्थ आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसके अर्थ के ओरिजिन के 500 मिलियन ईयर्स बाद जो है वो लाइफ की ओरिजिन हुई थी। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्वतः जनन सिद्धांत के अनुसार लाइफ केम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ अर्थ। ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी जो दी थी वो कई फिलोसोफर ने जो है वो ग्रीक फिलोसोफर ने ये थ्योरी दी थी, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो इन्होंने क्या बताया था कि फर्स्ट लाइफ जो अराइज हुई थी वो डिकेइंग और रोटिंग मैटर से, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, डेट्रिटस ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, उनसे फर्स्ट लाइफ अराइज हुई थी, ये बात बताई थी। उसके अकॉर्डिंग पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है, लाइफ केम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ अर्थ, इनकरेक्ट है। केम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ अर्थ ये क्या थ्योरी दी थी, ये पैनस्पर्मिया थ्योरी थी, ये पैनस्पर्मिया थ्योरी को फॉलो कर रही है। लाइफ केम फ्रॉम डिफरेंट प्लेनेट एट स्पोर्स, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी अदर प्लेनेट से बता रहा है। लाइफ केम आउट डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर, ये इसके लिए करेक्ट है, तो थर्ड जो है वो उसका करेक्ट हो जाएगा। लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ये भी इनकरेक्ट है, ये लुई पाश्चर की थ्योरी है, बायोजेनेसिस थ्योरी, तो ये भी स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को जो है वो फॉलो नहीं कर रही। अपने को क्या बताना है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को फॉलो करने वाला जो है वो स्टेटमेंट कौन सा है, तो लाइफ केम आउट फ्रॉम डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर, थर्ड आंसर जो है वो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेटमेंट डिसमिस्ड द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, किस सिद्धांत ने स्पॉन्टेनियस जनरेशन या स्वतः जननवाद के सिद्धांत को डिसप्रूव किया था, किस वैज्ञानिक ने, किस कथन ने इसको जो है वो गलत साबित किया था, तो डिसमिस्ड एंड डिसप्रूव जो है वो किसने किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को। लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, जो लुई पाश्चर की थ्योरी थी उसने उसको डिसमिस या डिसप्रूव किया था, जिसके अंदर तो लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ इसने किया था, लाइफ कम फ्रॉम डिफरेंट प्लेनेट ये नहीं होगा, एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लुईस पाश्चर, लुईस पाश्चर का जो एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन था उसने भी इस बात को डिसप्रूव किया था कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी जो है वो गलत है, ये बात जो है वो इन्होंने इसके थ्रू बताई थी कि लाइफ कभी भी न्यू जो है वो ऑर्गेनिक मैटर से या डेट्रिटस मैटर से अचानक जो है वो एक साथ इवॉल्व नहीं हो सकती। क्लियर यहाँ तक? उसके लिए जो है वो इन्होंने, लुईस पाश्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, आपको ध्यान होगा इसके अंदर एक स्ट्रेटनेक का जो फ्लास्क है उसके अंदर रखा था और एक में जो है वो एन शेप की नेक जो है उसके फ्लास्क को लिया था, इस टाइप से जो है वो इसमें इन्होंने लेके करवाया था, इसके अंदर दोनों में ईस्ट का सूप लेके, और इसमें इन्होंने देखा कि जो स्ट्रेट नेक वाला जो है उस फ्लास्क में फास्टली जो है वो सड़ने लग जाता है, और जो एन शेप की नेक वाला जो होता है उसमें वो ईस्ट का सूप है वो लंबे टाइम तक नहीं सड़ता। इट मीन्स अगर डेट्रिटस ऑर्गेनिक मैटर से या डिकेइंग रोटिंग मैटर से अपने आप ही न्यू लाइफ अराइज हो जाती तो इसमें भी सेम बैक्टीरिया का डेवलप होना चाहिए और इसी में भी सेम रेट पे बैक्टीरिया डेवलप होने चाहिए और सेम टाइम पे दोनों जो है वो दोनों ही जो है वो स्पॉइल्ड सेम टाइम पे होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए जो है वो लुईस पाश्चर ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया और लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ इसने भी इस थ्योरी को जो है वो डिसमिस कर दिया था। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या जाता है, फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड थ्री।
क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, हु प्रपोज्ड दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से न्यू लाइफ की ओरिजिन है, ये तो किसने बताई थी? ये तो बताई थी लुई पाश्चर ने। लुई पाश्चर ने क्या प्रूव किया था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है वो कहां से आई है? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से जो है वो लाइफ अराइज हुई है, ये बात बताई थी। और प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लाइफ की ओरिजिन है वो क्या थी? वो सबसे पहले किसने प्रूव की थी? ओपेरिन और हेल्डेन ने। तो ये इनके अंदर जो है वो करेक्ट आंसर। हु प्रपोज दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो करेक्ट आंसर जो है वो ओपेरिन एंड हेल्डेन, जिसने क्या किया था भाई, ओपेरिन और हेल्डेन ने जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी जो थी उसी को बेस मानते हुए जो है वो इन्होंने इसको आगे कंटिन्यू किया था, और उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट जो है वो इन्होंने मॉडिफिकेशन ये कर दिया कि जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी दी थी उसमें तो क्या बताया कि जो डेट्रिटस ऑर्गेनिक मैटर होता है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे लाइफ की ओरिजिन जो है वो स्पॉन्टेनियसली अचानक से एक साथ हो जाती है, ये बात स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी में बताई थी। ओपेरिन हेल्डेन ने जो है वो इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करके मॉडिफाई करके क्या बताया था कि एक लॉन्ग सिक्वेंशियल प्रोसेस के बाद जो है वो इनसे फर्स्ट लाइफ फॉर्म है वो अराइज हुई थी। क्लियर यहाँ तक? जिसमें पहले एटमिक स्टेज से मॉलिक्यूलर स्टेज आई, मॉलिक्यूलर स्टेज से सिंपल मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, उन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्रीगेशन से जो है वो फर्स्ट प्रोटोबायंट्स बने, और उन्हीं प्रोटोबायंट्स ने आगे चल के जो है वो फर्स्ट लाइफ को अरेंज किया था। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या आंसर आएगा? सेकेंड आंसर हो जाएगा ओपेरिन एंड हेल्डेन। क्लियर? उसके बाद इसमें देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्व्ड बाय अदर साइंटिस्ट फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स सिमिलर टू मिलर्स एक्सपेरिमेंट। दूसरे वैज्ञानिकों ने, मिलर ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें मिलर ने फर्स्ट टाइम एमिनो एसिड्स की फॉर्मेशन को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। मिलर ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था उस फ्लास्क में इन्होंने हाइड्रोजन अमोनिया और मीथेन को लेके और वहाँ वाटर वेपर को इंसर्ट करवाया और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू जो है वो इन्होंने वहाँ पर इलेक्ट्रिक स्पार्किंग के थ्रू जो है वो इन्होंने वहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करवाई। उस एनर्जी के कारण उनकी केमिकल रिएक्शन होने से जो है वो फर्स्ट टाइम एमिनो एसिड्स बने। तो एमिनो एसिड्स की फॉर्मेशन जो है वो तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव की थी वो मिलर ने की थी। उसी टाइम पे जो दूसरे कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट जो थे उन्होंने भी मिलर की तरह ही जो है वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उन एक्सपेरिमेंट्स में जो है वो उन्होंने क्या देखा था, कौन कौन से कंपाउंड्स जो है वो इन्होंने देखे थे? इसमें नाइट्रोजन बेस पिगमेंट्स एंड फैट। तो ये नाइट्रोजनी क्षार, वर्णक और वसा, तो नाइट्रोजन बेस पिगमेंट्स और फैट्स, एनसीईआरटी की लाइन अभी, कि दूसरे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी मिलर की तरह ही एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने दूसरे कई तरह के कंपाउंड्स की जो है वो फॉर्मेशन की थी। कौन से कंपाउंड बनाए थे? नाइट्रोजन बेस पिगमेंट्स एंड फैट बनाए थे। क्लियर? करेक्ट आंसर जो है वो इसका थर्ड हो जाएगा। इसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड। फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो है वो कब ओरिजिन हुई थी? 3 बिलियन ईयर्स बैक फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ, और 2 बिलियन ईयर्स बैक जो इवोल्व हुई थी वो सेलुलर लाइफ हुई थी। क्लियर यहाँ तक? अर्थ पे सबसे पहले जो नॉन सेलुलर लाइफ अराइज हुई थी वो 3 बिलियन ईयर्स एगो, और सेलुलर लाइफ जो अराइज हुई थी वो 2 बिलियन ईयर्स एगो जो है वो अराइज हुई थी। तो करेक्ट आंसर क्या पूछा है? जीवन के प्रथम अकोशिकीय रूप की उत्पत्ति कब हुई थी? अकोशिकीय रूप या नॉन सेलुलर लाइफ जो अराइज हुई थी वो 3 बिलियन ईयर्स बैक हुई थी। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? थर्ड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 बिलियन ईयर्स बैक। क्लियर? उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन
of conventional of religious literature following connotations are there, which connotation is not according to this theory. इसमें क्या पूछा है कि कौन सा कैनोटेशन जो है वो इस थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। तो इसमें परंपरागत धार्मिक साहित्य के विशिष्ट ट्रस्टीवाद सिद्धांत के अनुसार निम्न अभिधान है। क्या क्या बताए थे इसमें कि आज हम जो भी बायोडाइवर्सिटी को देख रहे हैं वो एज सच इसी फॉर्म में जो है वो अर्थ पे पहली बार क्रिएट हुई थी। जितनी भी बायोडाइवर्सिटी को हम देख रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हम देख रहे हैं, वो इसी फॉर्म में पहली बार अर्थ पे अराइज हुए थे, आज तक वो उसी फॉर्म में बने हुए हैं। इट मीन्स कोई नई वेरिएशंस जो है वो इनमें नहीं आ रही। दूसरा, जितनी स्पीशीज इनिशियल स्टेज पे डेवलप हो गई थी वही स्पीशीज आज भी बनी हुई है और फ्यूचर में भी वही स्पीशीज बनी रहेगी। कोई नई स्पीशीज जो है वो उसमें न तो अभी तक अराइज हुई है और ना ही नई स्पीशीज अराइज होगी, ये बात बताई थी। और एक जो है वो इसमें बताया था कि अर्थ की ओरिजिन आज से 4000 ईयर्स बैक जो है वो अर्थ की ओरिजिन हुई थी। क्लियर आ तक? ये कैनोटेशंस जो है वो उसमें बताए गए थे। अब इसमें देखिए, पहला कैनोटेशंस दे रखा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वर क्रिएटेड एज सच, कि आज हम जो भी ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं वो इसी फॉर्म में अर्थ पर पहली बार अराइज हुए थे। क्लियर? उसके बाद है डाइवर्सिटी वॉज द सेम सिंस क्रिएशन, क्रिएशन से लेकर आज तक डाइवर्सिटी सेम बनी हुई है। डाइवर्सिटी विल बी सेम इन फ्यूचर, फ्यूचर में भी यही डाइवर्सिटी जो है वो मेंटेन बनी रहेगी, ये भी करेक्ट है। अर्थ इज अबाउट 400 मिलियन ईयर्स ओल्ड, 400 मिलियन ईयर्स ओल्ड जो है वो इन्होंने नहीं बताई थी, इनके अकॉर्डिंग क्या बताया था, 4000 ईयर्स बैक जो है वो इन्होंने अर्थ की ओरिजिन बताई थी। क्लियर आ तक? इसका मतलब ये इसके लिए डी इनकरेक्ट है। तो क्या पूछा है इसमें, विच कैनोटेशन इज नॉट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, तो ओनली डी जो है वो इस थ्योरी को फॉलो नहीं करता। क्लियर? इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू डार्विन द फिटनेस रेफर्स, डार्विन के अनुसार फिटनेस या योग्यतम जो है वो किसको माना था, तो डार्विन के अनुसार योग्यतम या फिटनेस के लिए जो है वो क्या मेजरमेंट जो है वो इन्होंने बताया था, किस बेस पे जो है वो हम फिट कहेंगे, रिप्रोडक्टिव फिटनेस बताई थी डार्विन ने। क्या बताया था, फिटनेस के लिए रिप्रोडक्टिव फिटनेस होती है, उपयुक्तता जो है वो क्या होती है, रिप्रोडक्टिवली फिटनेस होगी। जो ज़्यादा बेटर फिट होते हैं वो मोर प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं, जो लेस फिट होते हैं वो कम प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? तो बेटर फिट होने वाले ज़्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस करेंगे। इट मीन्स ये क्या है, अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तो क्या बताया था इन्होंने कि ये अल्टीमेटली जो है अंततः और केवल जन्मक्षम उपयुक्तता जो है उसको सेलेक्ट करते हैं। तो वो डार्विन के अकॉर्डिंग जो है वो फिटनेस किसके लिए आई है, एंड अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस, फर्स्ट आंसर जो है वो इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखें इसमें नेक्स्ट 13, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, इसके लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या है, इनकरेक्ट पूछा है तो गलत स्टेटमेंट आपको इसमें छांटना है। द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट्स विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, करेक्ट स्टेटमेंट, द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट्स विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, ये बात डार्विन ने भी बताई थी और उसके साथ साथ जो वेलेस जो थे, एल्फ्रेड वेलेस, उन्होंने भी इस बात को जो है वो प्रूव किया था कि जितनी भी जियोलॉजिकल हिस्ट्री में जो भी इवोल्यूशन हुआ है उसके साथ साथ जो है वो लाइफ ओरिजिनेट होती गई है। तो ये बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ और जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेट होती हैं, तो ये इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है। सेम स्ट्रक्चर डेवलप्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू एडेप्टेशन इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ये भी करेक्ट है। सेम स्ट्रक्चर अनुकूलता के कारण भिन्न भिन्न दिशाओं में कार्य संपन्न करने हेतु वही रचना भिन्न भिन्न रूपों में विकसित हो जाती है, भिन्न भिन्न रूप ले सकती है, यही अपसारी विकास है। अपसारी विकास का मतलब आप समझ रहे हो भी, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में यहाँ से जो है वो माइग्रेट कर करके अलग अलग जगह पे चले जाते हैं, कोई जीव
अलग अलग जगह पे माइग्रेट हो गए और उसके माइग्रेशन के कारण वहाँ अपने आप को एडेप्ट करने के लिए अगर इनमें कुछ नई तरह की वेरिएशंस डेवलप हो जाती हैं, क्या दे रखा है, सेम स्ट्रक्चर, पहले सेम स्ट्रक्चर होती है, सेम स्ट्रक्चर डेवलप्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू एडेप्टेशन इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं डार्विन फिंचेज का, तो डार्विन फिंचेज ने डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जैसे जैसे गए वैसे इनके अंदर कुछ नई तरह की अडेप्टेशन को इवोल्व करने के लिए इनमें कई तरह की नई वेरिएशंस आ जाती हैं। तो इसमें डेवलप्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू अडेप्टेशन इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, तो करेक्ट है ये, इसको क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहेंगे। रूट मॉडिफिकेशन ऑफ स्वीट पोटेटो एंड स्टेम मॉडिफिकेशन ऑफ पोटेटो इज द एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉजी। ये भी ये जो है वो क्या है, रूट मॉडिफिकेशन ऑफ स्वीट पोटेटो, स्वीट पोटेटो जो है वो किसका मॉडिफिकेशन है, रूट का। एंड स्टेम मॉडिफिकेशन ऑफ पोटेटो इज द एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉजी, ये एनालॉजी होगी क्योंकि इनमें ओरिजिन डिफरेंट है। होमोलॉजी का मतलब जो है वो क्या होना चाहिए, ओरिजिन सेम हो, फंक्शन सेम या डिफरेंट हो सकते हैं तो होमोलॉजी, क्लियर। एनालॉगस का मतलब जहां ओरिजिन डिफरेंट हो, फंक्शन सेम हो, वहां उसको क्या कहेंगे, एनालोगस ऑर्गन कहेंगे। तो ये क्या है, दोनों एनालोगस ऑर्गन्स है। जैसे आप देख रहे हो इसमें दे रखा है रूट मॉडिफिकेशन ऑफ स्वीट पोटेटो, स्वीट पोटेटो रूट मॉडिफिकेशन है, इट मींस ओरिजिन अलग है। स्टेम मॉडिफिकेशन ऑफ पोटेटो, पोटेटो का ओरिजिन स्टेम से है, तो दोनों की ओरिजिन डिफरेंट है, ओरिजिन डिफरेंट बट फंक्शन सेम हो, तो दोनों के फंक्शन क्या है, फूड स्टोरेज करना, तो फूड स्टोरेज जो है वो दोनों के फंक्शन है, इट मीन्स ये एनालोगस ऑर्गेन है, होमोलोगस ऑर्गेन्स नहीं है। इनकरेक्ट पूछा है, ये हो जाएगा डार्विन फिंचेस रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन, तो ये एडेप्टिव रेडिएशन या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का जो है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो डार्विन फिंचेज है, तो ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट जो है वो इनमें कौन सा है, रूट मॉडिफिकेशन ऑफ स्वीट पोटेटो और ये स्टेम मॉडिफिकेशन ऑफ पोटेटो, ये जो है वो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, थर्ड आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर जाएगा, क्लियर। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, द पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड होते हैं, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस जो है वो बेस्ड होते हैं फॉसिल्स पे, क्लियर। फॉसिल्स की स्टडी को ही पैलेंटोलॉजी कहेंगे, तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस है वो किस पर बेस्ड है, वो फॉसिल्स पर बेस्ड होते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा फॉसिल्स। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 15, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज आल्सो प्रपोज्ड बाय, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के लिए एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट है वो किसने दिया था, ये दिया था अर्नेस्ट हिकल ने, करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा, सेकंड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा अर्नेस्ट हिकल, क्लियर। उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज शेयर्ड कॉमन एंसेस्टर्स, कॉमन एंसेस्टर्स को शेयर करने का मतलब जो है वो क्या होता है कि जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रहे हो कि उनके एंसेस्टर्स में किसी टाइम जो है वो सेम टाइप से फंक्शन होते थे, उसके बाद जैसे जैसे इनके अंदर नई नई स्पीशीज बनी उनके अंदर धीरे धीरे जो है वो इनके उसमें जो है वो डिफरेंस आते गए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज शेयर्ड कॉमन एंसेस्टर्स, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, इनकरेक्ट, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, ये एनालोगस, ये एनालोगस, तो एनालोगस जो होंगे वो कॉमन एंसेस्ट्री को शो नहीं करते हैं। एनालोगस में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के एंसेस्टर्स होते हैं और वो डिफरेंट टाइप के एंसेस्टर्स किसी एक जगह जब आके रहने लग जाए तो उनके अंदर सिमिलर कैरेक्टर्स का डेवलप हो जाना वो एनालोगस है, तो ये भी आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स एनालोगस, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन एनालोगस, फॉर लिंब ऑफ व्हेल बैट चीता एंड ह्यूमन, ये होमोलोगस है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। पोटेटोज स्टेम एंड स्वीट पोटेटोज रूट, ये भी क्या होगा, एनालोगस, तो ये भी नहीं होगा। तो कॉमन एंसेस्ट्री को जो शो कर रहे हैं वो इनमें कौन से कर रहे हैं, थर्ड जो है वो कॉमन एंसेस्ट्री को शो कर रहे हैं, फोर लिम्स ऑफ व्हेल बैट चीता एंड ह्यूमन, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा इसका, थर्ड आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17, उसमें दिया हुआ है
prehistoric cave art developed about years ago. Agriculture came around B years back and human settlements started. Choose an appropriate option for A and B to complete the given statement. पूर्व प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों का विकास लगभग ए वर्ष पूर्व हुआ, लगभग बी वर्ष पूर्व खेती करना प्रारंभ किया और मानव व्यवस्थापन की शुरुआत हुई, मानव कॉलोनाइज होने लग गया और धीरे धीरे जो है वो उसमें कई तरह के जो है वो सिविल कैरेक्टर्स जो है वो डेवलप होते गए। तो सबसे पहले जो है वो क्या बताया इनमें, प्री हिस्टोरिक केव आर्ट जो डेवलप हुई थी वो कब हुई थी, 18,000 ईयर्स बैक जो है वो इनमें सबसे पहले केव आर्ट है वो डेवलप हुई थी, क्रोमैग्नन मैन में ये इवोल्व हुई थी, क्लियर। उसके बाद एग्रीकल्चर केम अराउंड जो क्रोमैग्नन मैन से जो होमोसेपियंस सेपियंस इवोल्व हुए, उन होमोसेपियंस सेपियंस मैन में जो है वो इनके अंदर एग्रीकल्चर स्टार्ट होगी, कब, लगभग 10,000 ईयर्स बैक एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गई थी ईयर्स बैक एंड ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड। 10,000 ईयर्स बैक जो है वो एग्रीकल्चर और 18,000 ईयर्स बैक जो है वो इसने केव आर्ट जो है वो डेवलप हो गई थी। तो करेक्ट आंसर इसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या जाएगा, सेकेंड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 18, ए पॉपुलेशन इज इन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम फॉर ए जीन। अब यहाँ देखिए भाई, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम के लिए बताएंगे, तो ए पॉपुलेशन इज इन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम फॉर ए जीन विद ओनली टू एलील्स इफ द जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलील ए इज 0.7 देन द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस के लिए पूछ रहा है कि इसकी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, क्लियर यहां तक। अब इसमें आप देखिए क्या दे रखा है, इफ द जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलील कैपिटल ए, कैपिटल ए एलील की जीन फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसने 0.7, कैपिटल ए की 0.7 दे रखी है। तो पहले तो क्या लेंगे, स्मॉल ए की जीन फ्रीक्वेंसी जो है वो अपने को निकालनी है, क्लियर यहां तक। तो स्मॉल ए एलील की जीन फ्रीक्वेंसी अगर निकालोगे तो इसमें आपको ध्यान है भी ये ए की फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है स्मॉल ए की, इसका मतलब ये पी स्क्वायर दे रखी है और क्यू स्क्वायर निकालनी है। तो पी स्क्वायर की वैल्यू जो है या ए की वैल्यू दे रखी है 0.7, तो ये आपको ध्यान होगा पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, ये होता है। अब इनके अंदर इसकी वैल्यू मान लो दे दी 0.7, तो आपको Q की वैल्यू निकालनी है या स्मॉल a की वैल्यू निकालनी है, तो 1 माइनस 0.7 का मतलब क्या हो गया, 0.3 हो गया। अब इसमें जो है वो क्या पूछा है, देन द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब जो है वो क्या होता है, अभी ये p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है इसमें। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो वैल्यू निकालनी है वो आपको क्या निकालनी है, हेट्रोजाइगस की, क्योंकि ये तो किसको शो करता है, होमोजाइगस डोमिनेंट एलील्स को, ये शो करेगा हेट्रोजाइगस कंडीशन को और ये शो करता है होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप को, क्लियर यहां तक। आपको क्या निकालना है, ये निकालना है हेट्रोजाइगस जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी। हेट्रोजाइगस जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो पी की वैल्यू आपके पास आ रखी है 0.7, क्यू की वैल्यू आ रखी है 0.3, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो 2pq की वैल्यू क्या जाएगी, 2 × 0.7 × 0.3, तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, 0.42 इसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा आंसर, करेक्ट सेकंड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.42 जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सेकंड आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 19, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इवॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शन एंड हैंस सिमिलरिटी दिस इज बिकॉज। डिफरेंट स्ट्रक्चर है, पहले से अलग अलग स्ट्रक्चर है, इवॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शन, अगर किसी सेम फंक्शन के लिए इवॉल्व हो रहे हैं
एंड हैंस सिमिलरिटी, सेम फंक्शन के लिए वो लोग के और इनमें सिमिलरिटी शो हो रही है, दैट इट इज क्या होगा, रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब आपको ध्यान होगा भी, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब होता है कि किसी डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट से आके एक किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में आ गए और पहले से क्या है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इवॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शन, सारे एक जगह आने के बाद इनके अंदर जो है वो सेम फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इनमें सिमिलरिटी डेवलप हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो है वो हम क्या कहेंगे उसको, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहेंगे। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर हैबिटेट में रह रहे हैं और यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट पे और माइग्रेट हो गए, तो डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में डिफरेंट हैबिटेट में ये माइग्रेट हो गए और उसके बाद इनके अंदर वहाँ एडेप्ट होने के लिए कई नई तरह की एडेप्टिव वेरिएशंस डेवलप हो जाती हैं और वो एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं, तब वो क्या हो जाता है, वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या अपसारी विकास हो जाता है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है इवोल्विंग फॉर द सेम फंक्शन, सेम फंक्शन के लिए इवोल्व हो रही है, तो किसका रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या आंसर आना चाहिए, फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का रिजल्ट रहेगा। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 20, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स आर, बटरफ्लाई की विंग्स और बर्ड्स की विंग्स जो होती हैं उन दोनों की ओरिजिन डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है। बटरफ्लाई के अंदर जो विंग्स अराइज होते हैं वो काइटिनस जो है वो पार्ट है उससे अराइज हो रही है, काइटिन से जो है वो बटरफ्लाई के विंग्स बन रहे हैं, जबकि बर्ड्स के अंदर जो विंग्स बनते हैं वो फोर लिंब का मॉडिफिकेशन होते हैं। इट मीन्स दोनों में, बटरफ्लाई में भी और इसके, बटरफ्लाई और बर्ड्स, इन दोनों के अंदर ओरिजिन डिफरेंट है। बटरफ्लाई में ओरिजिन किससे हो रही है, बटरफ्लाई में विंग्स की ओरिजिन है वो काइटिन से हो रही है और बर्ड्स के अंदर ओरिजिन फोर लिंब के मॉडिफिकेशन से हो रही है, लेकिन फंक्शन दोनों फ्लाइंग का कर रहे हैं, उड़ने का कर रहे हैं। इट मीन्स क्या होंगे, एनालोगस ऑर्गेन्स होंगे। तो एनालोगस होमोलोगस ऑर्गेन्स कौन से होंगे, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स का मतलब जो है वो क्या होता है, जहाँ ओरिजिन सेम हो फंक्शन डिफरेंट या सेम हो सकते हो वो होमोलोगस है। तो यहाँ क्या है, ये एनालोगस ऑर्गेन्स, सेम एज वर्टिब्रेट हर्ट्स एंड ब्रेन, गलत है, तो वो भी जो है वो क्या है, वर्टिब्रेट हर्ट और ब्रेन है वो होमोलोगस के एग्जाम्पल है, और शेयर्ड कॉमन एंसेस्ट्री, कॉमन एंसेस्ट्री को भी शो नहीं करते। कॉमन एंसेस्ट्री को शो कौन से करते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जो है वो कॉमन एंसेस्ट्री को शो करता है जिसके होमोलोगस ऑर्गेन्स बनते हैं। तो ये करेक्ट आंसर इसका क्या जाएगा, फर्स्ट आंसर जो है वो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 21, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें क्या होगा, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट है कॉमन एंसेस्ट्री इंडिकेटेड बाई होमोलॉजी, कॉमन एंसेस्ट्री होमोलॉजी को से इंडिकेट होती है, करेक्ट है ये, कॉमन एंसेस्ट्री इंडिकेटेड बाई होमोलॉजी करेक्ट है। ब्रांचिंग डिसेंट इज वन ऑफ द की कंसेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, शार्कनी अवरोहण विकास के डार्विनवाद की मुख्य संकल्पनाओं में से एक है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट जीन पूल रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर जनरेशन टू जनरेशन, कि हार्डी विनबर्ग के अकॉर्डिंग क्या होता है, जीन पूल की वैल्यू जो है वो जनरेशन टू जनरेशन कॉन्स्टेंट बनी रहती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते। द नियंडरथल मैन विद द ब्रेन साइज 900 cc लिव्ड इन नियर ईस्टर्न सेंट्रल एशिया, ये इसकी ब्रेन कैपेसिटी जो है वो गलत दे रखी है, ब्रेन कैपेसिटी लगभग इसकी 1300 cc जो है वो उसकी क्रेनियल कैपेसिटी होती है। इट मीन्स नियंडरथल मैन वाला जो स्टेटमेंट है वो उसके अंदर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी सारे के सारे करेक्ट स्टेटमेंट है। और इनकरेक्ट क्यों है, कि यहाँ 900 cc जो क्रेनियल कैपेसिटी दे रखी है वो होमो इरेक्टस की होती है, उसकी नहीं होती, क्लियर। तो ये आंसर जो है वो इसका फोर्थ आंसर करेक्ट जाएगा। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट, औद्योगिकरण स्टार्ट होने से पहले ब्रिटेन में जो है वो किस तरह के मौत जो है वो डेवलप थे, किस तरह के मौत की संख्या ज़्यादा थी और क्यों थी। तो इसमें देखिए बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेटिंग, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है मेलेनाइज्ड मोथ एंड वाइट मोथ आर सेम इन पॉपुलेशन, गलत है। उस टाइम जब इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं थी उस टाइम जो थे वो ब्लैक मोथ,
डार्क विंग मोथ्स जो थे, यानी मेलेनाइज मोथ कह दो, डार्क विंग मोथ कह दो, वो उस समय जो है वो कम थे और वाइट मोथ्स जो थे वो ज़्यादा थे। तो वाइट विंग मोथ है वो ज़्यादा होने के क्या कारण थे? क्योंकि उस टाइम जो डार्क विंग्ड वाले जो थे या मेलेनाइज्ड मोथ थे वो इजीली कंट्रास्ट बैकग्राउंड के कारण प्रीडेटर बर्ड्स जो होते थे उनके थ्रू रिकॉग्नाइज हो जाते थे, जिससे वो प्रीडेटर बर्ड्स या जो शिकारी पक्षी है वो उनको खा जाते थे। तो डार्क विंग्ड वाले या मेलेनाइज्ड मोथ जो है वो प्रीडेटर बर्ड्स के द्वारा खा लिए जाते थे, जबकि वाइट विंग्ड मोथ है वो उनकी पहचान में नहीं आते थे, जिससे वो सेम बैकग्राउंड के कारण या कैमोफ्लेज के कारण अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते थे। क्लियर? इसलिए वो बचे रह जाते और मेलेनाइज्ड मोथ है वो धीरे धीरे कम होते गए। तो वाइट मोथ है वो ज़्यादा थे और मेलेनाइज्ड मोथ जो थे वो कम थे। तो पहला ऑप्शन मेलेनाइज्ड मोथ एंड वाइट मोथ आर सेम इन नंबर, गलत। उसके बाद सेकंड है मेलेनाइज्ड मोथ्स वर मोर देन वाइट विंग्ड मोथ, ये भी इनकरेक्ट है। मेलेनाइज्ड मोथ है वो ज़्यादा नहीं थे। डार्क विंग्ड मोथ आर लेस देन वाइट विंग्ड मोथ, ये करेक्ट है। डार्क विंग्ड मोथ जो है वो कम थे, वाइट विंग्ड मोथ ज़्यादा थे। क्या कारण था? क्योंकि वाइट विंग्ड मोथ जो थे उनका नेचुरल सिलेक्शन इजीली हो रहा था ड्यू टू सेम बैकग्राउंड, और डार्क विंग्ड मोथ या मेलेनाइज्ड मोथ जो थे वो इजीली आइडेंटिफाई जो है वो डार्क विंग्ड मोथ है वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाते थे, इसलिए प्रीडेटर बर्ड्स उनको खत्म कर जाते थे। इसलिए डार्क विंग्ड मोथ आर लेस देन वाइट विंग्ड मोथ। डार्क विंग्ड मोथ एंड नॉन मेलेनाइज्ड मोथ एंड नॉन मेलेनाइज्ड मोथ फॉर सेम इन पॉपुलेशन, ये भी इनकरेक्ट है। तो क्या हो रहा है? डार्क विंग्ड मोथ्स आर लेस देन वाइट विंग्ड मोथ, थर्ड आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 23, विच इज करेक्ट अबाउट एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन। एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन के लिए इनमें से करेक्ट जो है वो क्या होगा? पहला है पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ इंसेक्ट, करेक्ट है। पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट पेस्ट की और इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट इंसेक्ट जो है इनकी वेराइटी का डेवलप होना ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शन था, तो ये करेक्ट है। अकर्स इन ए मच लेसर टाइम स्केल, कम टाइम के अंदर ही ये डेवलप हो जाते थे। अगर लगातार इनका एक्सपोजर करते रहें, पेस्टिसाइड छिड़कते रहें, तो पेस्ट कुछ समय बाद जो है वो उनमें पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट पेस्ट डेवलप हो जाते हैं। ऐसे ही लगातार इंसेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए इंसेक्टिसाइड छिड़कते रहें तो कुछ टाइम के अंदर ही जो है वो क्या हो जाते हैं, इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट इंसेक्ट जो है वो डेवलप हो जाते हैं, जैसे DDT रेजिस्टेंट मॉस्किटो डेवलप हो गए थे, ये हो जाता है। तो मच लेसर टाइम के अंदर ही ये डेवलप हो जाते हैं, ये भी करेक्ट है। उसके बाद है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट माइक्रोब्स। एंटीबायोटिक का भी लगातार अगर यूज करते रहें तो उसके लिए रेजिस्टेंट माइक्रोब्स या बैक्टीरिया जो है वो कम टाइम में डेवलप हो जाते हैं, ये भी करेक्ट है। ड्रग सेंसिटिव वेराइटी ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ड्रग सेंसिटिव वेराइटी जो है वो नहीं होती, ड्रग रेजिस्टेंट वेराइटी जो है वो इससे डेवलप हो जाती है। अगर ड्रग रेजिस्टेंट वेराइटी आता तब तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है। ड्रग सेंसिटिव वेराइटी जो है लगातार यूकैरियोट्स पे अगर ड्रग्स का यूज करते रहें तो ड्रग्स के लिए सेंसिटिव वेराइटी डेवलप होने की बजाय किस तरह की वेराइटी डेवलप होगी, ड्रग रेजिस्टेंट वेराइटी जो है वो इससे डेवलप हो जाएगी, इसलिए ये क्या है, इनकरेक्ट हो गया। तो इसमें करेक्ट जो है वो पूछा है, तो विच इज करेक्ट अबाउट एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन। एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन के लिए जो करेक्ट है वो क्या जाएगा, ए बी और सी है वो करेक्ट है, डी जो है वो इसमें इनकरेक्ट है। और क्यों इनकरेक्ट है, कि यहाँ दे रखा ड्रग सेंसिटिव, जबकि होना क्या चाहिए, ड्रग रेजिस्टेंट आता तो ये करेक्ट हो जाता। क्लियर यहाँ तक? तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा, फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद देखें 24 में दिया हुआ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इवोल्यूशन इज नॉट ए डायरेक्टेड प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म, निश्चयवाद के अर्थ में इवोल्यूशन एक प्रत्यक्ष प्रक्रिया नहीं है, डायरेक्टेड प्रोसेस नहीं है। इट मीन्स आप ये नहीं कह सकते कि इवोल्यूशन में पिछली स्पीशीज से ये स्पीशीज जो है वो 10 साल में या 10 मिलियन ईयर्स में हुई है, तो नेक्स्ट 10 मिलियन ईयर्स में जो है वो उससे नेक्स्ट स्पीशीज इवोल्व हो जाएगी। तो ये कभी भी
डिटर्मिनिज्म के सेंस में जो है वो एक डायरेक्टेड प्रोसेस नहीं है। आप किसी भी स्पीशीज के लिए ये नहीं कह सकते कि इससे ये स्पीशीज में, जैसे सपोज दैट एक्स स्पीशीज है, उससे वाई स्पीशीज बनने में मान लो इनके अंदर 50 मिलियन ईयर्स लग गए, तो आप इसमें ये नहीं बता सकते कि अगले 50 मिलियन ईयर्स में जो है वो इनके अंदर वाई से जेड स्पीशीज इवोल्व हो जाएगी। क्लियर यहां तक? तो कहीं भी आप इनके अंदर जो है वो ये पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कि इसके एक्स से वाई इवोल्व होने में 50 ईयर्स मिलियन ईयर्स का टाइम लगा है, तो वाई से जेड जो है वो अगले 50 मिलियन ईयर्स में इवोल्व हो जाएगी। इसका मतलब कहीं भी ये डायरेक्टेड प्रोसेस नहीं है, इट मींस करेक्ट स्टेटमेंट है। इवोल्यूशन इज ए स्टोकेस्टिक प्रोसेस, यह एक प्रसंभाव्य प्रक्रम है, पॉसिबल प्रोग्राम है, हो सकता है कि ये अगले 10 साल में ही नया इवोल्यूशन हो जाए, नई स्पीशीज इवोल्व हो जाए, और हो सकता है वो अगले 100 साल तक ही नई स्पीशीज इवोल्व नहीं हो। क्लियर यहां तक? तो इट इज ए स्टोकेस्टिक प्रोसेस, तो ये भी करेक्ट है। इवोल्यूशन बेस्ड ऑन चांस इवेंट्स इन नेचर, कि इवोल्यूशन चांस इवेंट्स, नेचर में होने वाले किसी भी अवसरधारी घटना या चांस इवेंट्स पर आधारित है, ये भी करेक्ट है। इवोल्यूशन बेस्ड ऑन चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म, जीव के अंदर एक जो है वो उसमें चांस म्यूटेशन का मतलब एक अचानक संयोगवश होने वाले उत्परिवर्तन पर आधारित है, तो दोनों ही चीज सही है। प्रकृति में किसी अचानक होने वाली चांस इवेंट्स पर भी आधारित है, और या जीव के अंदर अचानक होने वाले किसी चांस म्यूटेशन पर भी आधारित है, तो ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, कोई भी स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट नहीं है, सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या जाएगा? फोर्थ आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्लियर, समझ में आ गया? इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 25 में, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये सारे स्टेटमेंट्स को देखना आपको, इंक्रीज इन मेलेनाइज्ड मोथ्स आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ग्रेट ब्रिटेन इज ए प्रूफ फॉर नेचुरल सिलेक्शन। मेलेनाइज्ड मोथ का इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ग्रेट ब्रिटेन में जो है वो डेवलप हो जाना, इंक्रीज हो जाना, नेचुरल सिलेक्शन का जो है वो प्रमाण है। करेक्ट है कि ये इनमें ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ तो काले मोथ या मेलेनाइज्ड मोथ की संख्या बढ़ गई। क्यों? क्योंकि उनके कारण जो सूट्स वगैरह जो थे, ट्री ट्रंक जो थे, वो काले होते गए, डार्क कलर के होते गए, जिससे बैकग्राउंड उनके लिए जो है वो सिमिलर होता गया। अब बैकग्राउंड उनके लिए सिमिलर होता गया, कैमोफ्लेज होने लग गया, तो ये अपने आप को प्रीडेटर बर्ड से बचाने लग गए। ये प्रीडेटर बर्ड से अपने आप को बचाने लग गए तो व्हाइट मोथ रिकॉग्नाइज होने लग गए, वो नंबर्स में कम होते गए, और ब्लैक मोथ या मेलनाइज मोथ है वो नंबर्स में इंक्रीज होते गए। तो ये क्या था? नेचुरल सिलेक्शन का प्रमाण था। करेक्ट है। When more individuals of a population acquire a mean character's value, it is called disruption. Disruption नहीं होता अगर mean value वाले characters को जो है वो अगर वो select करता है। तो mean character value को अगर select किया जाता है कोई भी natural selection में, तो mean character value को जो है वो select करने का मतलब जो है वो क्या होता है, उसमें stabilizing selection होता है। इस condition में डिसरप्शन नहीं होके जो है वो क्या होता है, ये स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन होता है। इस कंडीशन में जो है वो इस सिलेक्शन को हम क्या कहेंगे, स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन होगा। क्लियर, तो ये इनकरेक्ट हो गया। चेंजेस इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन विल लीड टू हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। चेंजेस इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन विल लीड टू हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को लीड नहीं करती है। जनसंख्या में एलील आवृत्ति में परिवर्तन हार्डी विनबर्ग साम्य का नेतृत्व करता है। गलत है, हार्डी विनबर्ग साम्य जो है उसको लीड नहीं कर पाता है। हार्डी विनबर्ग क्या बताता है कि जीन पूल की वैल्यू जो है वो जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट बनी रहती है। इट मींस एलीलिक आवृत्तियों का चेंज होना वो इसको लीड नहीं करता। जेनेटिक ड्रिफ्ट चेंजेस इज द चेंजेस द एग्जिस्टिंग जीन और एलीलिक फ्रीक्वेंसी इन फ्यूचर जनरेशन। तो सही है, जेनेटिक ड्रिफ्ट अगर होता है तो चेंजेस एग्जिस्टिंग जीन और एलीलिक फ्रीक्वेंसी इन फ्यूचर जनरेशन, अगली जनरेशन के अंदर जो है वो ये इनको क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्या दिया हुआ इसमें, अब इसके अंदर जो है वो आपको करेक्ट देखना है। तो करेक्ट जो है इसमें एलीलिक फ्रीक्वेंसी इन फ्यूचर जनरेशन, सेकेंड एलोन इज करेक्ट,
तो सेकंड क्या था, इनकरेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड और थर्ड इनकरेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है। तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर, बोथ फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो थर्ड आंसर जो है वो इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है और फोर्थ करेक्ट है, सेकंड थर्ड जो है वो दोनों इनकरेक्ट है। तो आंसर करेक्ट क्या आ जाएगा, थर्ड आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखें इसमें नेक्स्ट जो है वो इसमें दे रखा है। अब इसमें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसमें स्टेटमेंट्स जो है वो आपको देखने हैं। ए दे रखा है तस्मानिया वुल्फ, बी दे रखा है टाइगर किट, सी मार्सुपियल रेट, डी लीमर, ई बोबकेट, सुगर ग्लाइडर, कंगारू, बैंडिकूट। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स इवोल्व फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्टॉक। एंसेस्ट्रल स्टॉक से इवोल्व होने का मतलब जो है वो इनमें क्या रहेगा, कौन कौन से जो है वो इसमें सेम टाइप के एंसेस्टर से इवोल्व हो रहे हैं। क्लियर। क्या देखना है आपको, निम्न पर विचार कीजिए और उसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोज ग्रुप ऑफ एनिमल्स इवोल्व फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्टॉक। एक ही एंसेस्ट्रल स्टॉक से जो है वो डेवलप होने वाले आपको बताने हैं। इट मीन्स सारे के सारे जो है वो आपको कौन से बताने हैं, ये मार्सुपियल मैमल्स जो है वो आपको देखने हैं। तो इनके अंदर या एक ही एंसेस्ट्रल स्टॉक का मतलब जो है वो कौन से होंगे, जिनके अंदर या तो सारे के सारे मार्सुपियल्स हो या फिर सारे के सारे प्लेसेंटल मैमल्स हो, उनको आपको आइडेंटिफाई करना है सेम टाइप के जो है वो एंसेस्ट्रल स्टॉक से इवोल्व हो। इनके अंदर आप देखें तस्मानिया वुल्फ मार्सुपियल है, समझ में आ गई, ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है। टाइगर केट ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है। मार्सुपियल रेट ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है। लीमर प्लेसेंटल मैमल्स है। बॉबकेट प्लेसेंटल मैमल्स है। सुगर ग्लाइडर ये मार्सुपियल मोल है, ये मार्सुपियल ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। कंगारू ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। बैंडिकूट ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। ये देखिए एक आपके इस टाइप से जो है वो डायग्राम दे रखा है जिसमें कोआला वोम्बेट कंगारू इस तरह के जो है वो खूब सारे बना के बता रखे हैं, ध्यान है। उसके अंदर आपको मैच करना है कि इनके अंदर एक ये सारे के सारे इसके चारों तरफ जो बने हुए हैं वो एक ही एंसेस्ट्रल स्टॉक से जो है वो इवोल्व हैं, समान तरह के पूर्वजों से विकसित हुए हैं। तो सारे के सारे जो है वो मार्सुपियल्स है वो। तो इनके अंदर जो है वो ए बी सी और उसके बाद एफ जी एच ये सारे के सारे एक सिंगल एंसेस्ट्रल स्ट्रोक से जो है वो इवोल्व हैं। तो कॉमन एंसेस्ट्रल स्ट्रोक से इवोल्व होने वालों में पहले में देखिए आप ए बी ई, तो ए बी आ रहा है, ई नहीं आगा तो ये इनकरेक्ट हो गया। दूसरे में ई शुरू में ही आ गया, इनकरेक्ट हो गया। तीसरे में बी डी एच, तो बी डी आ गया तो ये भी नहीं होगा। चौथे में ए सी एच, तो ए तस्मानिया वुल्फ, सी मार्सुपियल रेट और एच पेंडिकूट, तो ये चौथा आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, समझ गया ना। इसमें केवल मार्सुपियल ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स जो है वो इनके अंदर देखने आपको, तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स लीमर और बोबकेट को छोड़कर बाकी सारे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं। तो इनके अंदर अगर किसी ऑप्शन में डी या ई आ रहा है तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, तो उसके हिसाब से आंसर जो है वो क्या जाएगा इसका, फोर्थ आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 27, द इवोल्यूशन ऑफ लीमर एंड फ्लाइंग स्पीरल इन ऑस्ट्रेलिया एग्जिबिट्स। लीमर द इवोल्यूशन ऑफ लीमर एंड फ्लाइंग स्पीरल इन ऑस्ट्रेलिया एग्जिबिट्स। तो लीमर और फ्लाइंग स्पीरल जो है वो इनसे ऑस्ट्रेलिया में डेवलप हो रहे हैं, तो क्या है, किसको शो करेंगे ये अपने आप में जो है वो लीमर का और फ्लाइंग स्क्विरल का इवोल्यूशन उसमें होना वो क्या शो कर रहा है इनमें, ये इसका एनालोगस ऑर्गेन्स जो है, सॉरी ये इनके अंदर जो है वो एडेप्टिव रेडिएशंस को शो करेंगे। इनके अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो इसकी लीमर और फ्लाइंग स्क्विरल जैसी नई स्पीशीज जो इवोल्व हो रही हैं, तो क्या होगा इनमें एडेप्टिव रेडिएशंस हो रहा है, उसकी कई तरह की नई स्पीशीज जो है वो इवोल्व हो रही है। क्लियर। उसके बाद देखें नेक्स्ट 28, विच वन शो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एडेप्टिव रेडिएशंस।
ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का एडेप्टिव रेडिएशंस जो है वो कौन से शो कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का जो है वो एडेप्टिव रेडिएशंस का मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप की जो स्पीशीज जिसके अंदर डेवलप हो रही हो वो इनमें से कौन सा इवोल्व कौन सा शो कर रहा है। तो विच वन शो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एडेप्टिव रेडिएशंस, तस्मानिया टाइगर कैट एंड बॉबकैट, ये दोनों तो किसको शो कर रहे हैं, ये दोनों प्लेसेंटल मैमल्स और उसका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे हैं। एक तो प्लेसेंटल मैमल्स है और दूसरा क्या है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है। तो इन दोनों का क्या होगा, ये जो है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे हैं। स्पॉटेड कस्कस एंड लीमर, ये भी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रहे हैं। कोआला एंड वॉम्बेट, ये दोनों जो है वो किसको शो कर रहे हैं, कोआला एंड वॉम्बेट जो है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रहे हैं। तो ये एडेप्टिव रेडिएशन या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रहे हैं। न्यूम्बेट एंड आंटीटर, ये दोनों के अंदर सिमिलरिटी डेवलप हो रही है तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रहे हैं। क्लियर आप तक? तो इन दोनों के अंदर जो पैरेलल इवोल्यूशन चल रहा है वो किस टाइप का होगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। कोआला और वॉम्बेट के अंदर जो इवोल्यूशन डेवलप हो रहा है वो किस तरह का इवोल्यूशन शो हो रहा है, इसके अंदर जो है वो कोआला और वॉम्बेट दोनों ही क्या है, दोनों के अंदर जो है वो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स जो है वो इनका इवोल्यूशन हो रहा है। जो क्या बता रहा है, ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का डिफरेंट टाइप का इवोल्यूशन, कोआला और वॉम्बेट का वो एडेप्टिव रेडिएशन शो कर रहा है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा इसमें। इसके बाद देखें 29, विच टाइप ऑफ इवोल्यूशन शोइंग बाई ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स। तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल मैमल्स, इन दोनों का इवोल्यूशन जो है वो किसको शो कर रहा है, तो दोनों का इवोल्यूशन किस टाइप का इवोल्यूशन शो कर रहा है। टेबल दे रखी है भी आपके, एक तरफ प्लेसेंटल मैमल्स, एक तरफ दे रखा है प्लेसेंटल मैमल्स और दूसरी तरफ जो टेबल दे रखी है प्लेसेंटल मैमल्स और एक तरफ दे रखा है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, प्लेसेंटल मैमल्स एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। तो प्लेसेंटल मैमल्स एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स जो है वो दे रखे हैं, इधर पूरे में प्लेसेंटल मैमल्स, इधर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, दोनों के अंदर जो है वो पैरेललिज्म शो हो रही है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल इवोल्व हो रहे हैं, वैसे वैसे इनके अंदर सिमिलरिटीज डेवलप हो रही हैं। तो इनका एक दूसरे के साथ सिमिलर स्पीसीज डेवलप करना, इवोल्व करना, वो किस तरह का इवोल्यूशन होगा, वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा। तो आंसर जो है वो इसका क्या जाएगा, थर्ड आंसर जो है वो करेक्ट होगा, सेकेंड आंसर जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्लियर यहाँ तक? तो सेकेंड आंसर इसमें करेक्ट होगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये इनके अंदर जो है वो सेकेंड हो जाएगा। तो ये इसमें जो है वो क्या शो कर रहा है, जहाँ डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट करने वाले एनिमल्स जो है वो एक किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में आके रहने लग जाए और उसके अकॉर्डिंग उनके अंदर सिमिलरिटीज डेवलप हो जाए, तब उसको क्या कहेंगे, वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। क्लियर आ तक? एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसके अंदर डिफरेंट बायोलॉजिकल या डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट करने वाले एनिमल्स अगर किसी एक अलग थलग भौगोलिक आवास में, एक आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया में आके रहने लग जाए और उसके बाद उनके अंदर सिमिलरिटीज डेवलप होने लग जाए, तो उनके अंदर होने वाले डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जो है वो क्या हो जाते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो जाएंगे। करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा इसका, सेकेंड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच इज द की कंसेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का की कंसेप्ट जो है वो इसमें क्या रहेगा, पहला नेचुरल सिलेक्शन, करेक्ट है, ये इसका की कंसेप्ट है। दो तरह के की कंसेप्ट थे इसके, नेचुरल सिलेक्शन एंड ब्रांचिंग डिसेंट। तो पहला नेचुरल सिलेक्शन, करेक्ट है, ब्रांचिंग एसेंट ये इनकरेक्ट है, ब्रांचिंग डिसेंट होता है। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन्स ये भी इनकरेक्ट है, ये लेमार्क की थ्योरी का है। उसके बाद बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड होना ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, नेचुरल सिलेक्शन। क्लियर आ तक? तो इसका करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड एंड चूज करेक्ट ऑप्शन गिव बिलो। इसमें फर्स्ट और सेकेंड कॉलम को जो है वो मैचिंग करवाना है। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स ये किससे रिलेट है, ये नेक ऑफ जिराफ, जिराफ की नेक जो है उसमें यूज एंड डिसयूज यानी लेमार्किज्म को शो कर रहा है। आइडिया ऑफ म्यूटेशन
इवनिंग प्रिमरोज प्लांट पे जाओ, सबसे पहले म्यूटेशन को देखा था। थॉमस माल्थस, इन्होंने पॉपुलेशन साइज के बारे में बताया था। और एलील फ्रिक्वेंसी किससे रिलेट है? हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल से रिलेट है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसमें मैचिंग अगर करवाएंगे तो यूज एंड इश्यूज सी, फिर उसके बाद डी, सी डी, ए और बी। तो उसके हिसाब से सी डी, बी ए, सी डी, ए बी, फोर्थ आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका, सी डी ए और बी। तो ये इनके अंदर जो है वो सी डी ए बी फोर्थ आंसर करेक्ट। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में फैक्टर विच अफेक्ट द हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। जेनेटिक ड्रिफ्ट अफेक्ट करता है, नेचुरल सिलेक्शन अफेक्ट करता है, म्यूटेशन भी अफेक्ट करता है। ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर फोर्थ आ जाएगा, तीनों ही फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को, या जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन जो किया जाता है उसमें रेंडम मेटिंग अगर होती रहे और उसके साथ साथ लार्ज पॉपुलेशन हो तब तक उसमें ये हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। उसको अफेक्ट फाइव फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं, नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जीन फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये फाइव फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। इसमें आपके दे रखा है जेनेटिक ड्रिफ्ट भी है, नेचुरल सिलेक्शन भी है, म्यूटेशन भी है, तो सारे फैक्टर्स इसको अफेक्ट कर रहे हैं। फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है 33, दिस रिप्रेजेंटेशन इज विच टाइप ऑफ ऑपरेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के किस टाइप को ऑपरेट कर रहा है? तो ये इनमें स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन, डिसरप्टिव सिलेक्शन एंड बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। तो ये डिसरप्टिव सिलेक्शन को जो है वो शो कर रहा है, जिसमें यहाँ से आप देख रहे हो ये एक नॉर्मल है, उसके बाद इसके अंदर जो है वो दो पीक बन रहे हैं। तो दो पीक अगर बन रहे हैं तो इसका मतलब ये किस तरह का हो गया? डिसरप्टिव सिलेक्शन को जो शो कर रहा है। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा इसका? थर्ड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, म्यूटेशंस आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल, लार्ज एंड डायरेक्शनल, लार्ज एंड डायरेक्शनलेस, स्मॉल एंड डायरेक्शनलेस। म्यूटेशन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? लार्ज चेंजेस होते हैं और नॉन डायरेक्शनल होते हैं, जो हार्मफुल भी हो सकते हैं और उसके साथ साथ बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। तो ये बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों तरह के हो सकते हैं, इसलिए क्या कहेंगे इसको? लार्ज एंड डायरेक्शनलेस जो है वो इसमें म्यूटेशंस होंगे। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा इसका? थर्ड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप देखें 35, डार्विनियन वेरिएशंस आर, डार्विनियन वेरिएशंस जो है वो उससे अलग होती हैं। डार्विनियन वेरिएशंस के अंदर क्या बताया था डार्विन ने? कि स्मॉल वेरिएशंस होती हैं और उसके साथ साथ डायरेक्शनल वेरिएशन होती है। क्या बताया था डार्विन ने? स्मॉल एंड डायरेक्शनल वेरिएशन होती हैं। स्मॉल एंड डायरेक्शनल वेरिएशन का मतलब होता है कि जस्ट आफ्टर नेक्स्ट जनरेशन में, ये उससे फर्दर जनरेशन में डायरेक्ट जो है वो ये वेरिएशंस अपीयर नहीं होती, ये स्मॉल वेरिएशन होती हैं, छोटी छोटी वेरिएशंस एक्यूमुलेट होती जाती हैं और एक लॉन्ग जनरेशन गैप के बाद जो है वो एक लार्ज वेरिएशन का रूप लेके दिखेंगी, तब एक नई स्पीशीज अराइज होती हैं। क्लियर? तो कैसी होती हैं ये? स्मॉल एंड डायरेक्शनल वेरिएशन होती हैं। फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट होगा। तो डार्विनियन वेरिएशन इज स्मॉल एंड डायरेक्शनल और म्यूटेशन के अकॉर्डिंग जो वेरिएशंस आती हैं वो लार्ज एंड डायरेक्शनलेस होती हैं। क्लियर? तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो फर्स्ट रहेगा। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ, अकॉर्डिंग टू हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस रिप्रेजेंटेड बाय। हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वो क्या होता है? पी क्यू, क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर और 2PQ। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है? 2PQ होता है, जिसमें आपको ध्यान होगा भी पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हार्डी विनबर्ग लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हार्डी विनबर्ग लॉ को रिप्रेजेंट करने के लिए ये तो होमोजाइगस डोमिनेंट एलील, ये किसको शो करेगा? हेट्रोजाइगस कंडीशन को। और ये किसको शो करेगा? ये होमोजाइगस रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी को शो करेगा। क्लियर यहाँ तक?
तो ये 2PQ जो है वो हेट्रोजाइगस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा, फोर्थ आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। 37 में ड्यूरिंग इवोल्यूशन ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स वर फॉर्म्ड एंड एक्टिव बाय द टाइम ऑफ, इन्वर्टिब्रेट्स का इवोल्यूशन किस समय हुआ और कब एक्टिव हुए। तो विकास के दौरान एक कशेरुकी जीव कब बने और क्रियाशील हुए, तो कब बने थे, 500 मिलियन ईयर्स एगो जो है वो ये इन्वर्टिब्रेट्स है वो अर्थ पर इवोल्व हुए थे। क्लियर आ तक। करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा इसका, सेकंड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर आ तक। ये देखिए आपके एनसीईआरटी में एक पूरा जो है वो डिस्क्राइब कर रखा है ब्रीफ अकाउंट ऑन इवोल्यूशन। ब्रीफ अकाउंट ऑन इवोल्यूशन जो है उसमें कई डाटा दे रखे हैं, तो वो डाटाबेस चीज है वो उसमें आप ध्यान रखें, जो एनसीईआरटी के डाटा दे रखे हैं वो ही आपको करेक्ट डाटा मानते हुए चलना है, उसके हिसाब से जो है वो करेक्ट आंसर देखने हैं आपको। क्लियर आ तक। इसमें ब्रीफ अकाउंट ऑन इवोल्यूशन की हर लाइन से क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, पूरी थ्योरी है, थोड़ा सा ढंग से स्पेशलाइज उसको पढ़ें क्योंकि उसकी हर लाइन से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। क्लियर। तो ये आप देख रहे हो ड्यूरिंग इवोल्यूशन द इन्वर्टिब्रेट्स वर फॉर्म्ड एंड एक्टिव बाय द टाइम ऑफ 500 मिलियन ईयर्स एगो, एनसीईआरटी की लाइन है, तो ये इसमें करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा, सेकंड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद आप देखें 38, विच वॉज द फर्स्ट एम्फीबियन। फर्स्ट एम्फीबियन जो है वो इनमें कौन सा था, फ्रॉग्स, सेलामेंडर, क्रोकोडाइल्स, सीलाकेंथ। फर्स्ट एम्फीबियन क्या थी, सीलाकेंथ जो है वो फर्स्ट एम्फीबियंस जो थी, इनके अंदर ये स्ट्रॉन्ग और स्ट्राउट फिन्स वाली जो है वो फिशेज थी जो एक्वेटिक हैबिटेट के साथ साथ या वाटर बॉडी के साथ साथ जो है वो लैंड पर भी आ जा सकती थी। इस तरह की जो फिशेज इवोल्व हुई वो फर्स्ट एम्फीबिया की एंसेस्टर्स जो है उनको माना जाता है वो सीलाकेंथ थी। क्लियर। तो करेक्ट आंसर जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या जाएगा, जो है थर्ड आंसर जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा, सिलोकेंथ। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, द एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग्स एंड सेलामेंडर्स वर। मॉडर्न डे फ्रॉग्स और सेलामेंडर यानी मॉडर्न डे के जो एम्फीबिया है उन एम्फीबिया के डायरेक्ट एंसेस्टर्स जो है वो किसको माना जाता है, लोबेफिन फिश जो है इनको इसके डायरेक्ट एंसेस्टर्स माना जाता है, तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या रहेगा, लोबोफिन्स जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ब्रीफ अकाउंट ऑन इवोल्यूशन के सारे क्वेश्चन है भी। क्लियर। तो ये इनमें लोबोफिन्स होगा करेक्ट आंसर, सेकंड। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 40, विच रेप्टाइल्स इवोल्व इनटू फिश लाइक रेप्टाइल्स। कौन सा रेप्टाइल्स जो है वो फिश लाइक रेप्टाइल्स में इवोल्व हुआ था, एक्वेटिक रेप्टाइल्स की फॉर्म में इवोल्व हुआ था। तो एक्वेटिक रेप्टाइल्स की फॉर्म में जो इवोल्व हुआ था वो कौन से रेप्टाइल्स थे, इक्थियोसोर्स जो थे वो एक्टिव इसमें जो है वो एक्वेटिक रेप्टाइल्स थे, फिश लाइक रेप्टाइल्स के अंदर इवोल्व हुए थे। वैसे रेप्टाइल्स के अंदर लैंड हैबिटेट के सारे एडेप्टेशन जो है वो इनमें इवोल्व हो गए थे, लेकिन इक्थियोसोर्स जो था वो वापस एक्वेटिक हैबिटेट के लिए एडेप्टिव हो गए थे। क्लियर आ तक। तो इक्थियोसोर्स जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इक्थियोसोर्स। ये इसमें कन्फ्यूज नहीं हो भाई, एक इक्थियोसोर्स होता है, एक इक्थियोफिश है। इक्थियोफिश जो होता है वो एम्फीबिया है। क्लियर। लिम्बलेस एम्फीबिया है वो, इक्थियोफिश है। रेप्टाइल्स में जो है वो इक्थियोसोर्स है, करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा इसका। क्लियर। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, द इनकरेक्ट फॉर बिगेस्ट डायनोसोर्स वाज। बिगेस्ट डायनोसोर्स जो है वो कौन सा था, उसके लिए इनकरेक्ट क्या है। तो बिगेस्ट डायनोसोर्स आपको ध्यान है भी टायरेनोसोर्स रेक्स था, जिसकी हाइट जो थी वो 20 फीट उसकी हाइट थी, लॉन्ग डैगर लाइक जो है वो टीथ थे, कटार जैसे बड़े बड़े उसके दांत होते थे, और लगभग 65 मिलियन ईयर्स एगो जो है वो ये डायनासोर्स है वो अर्थ से एक्सटिंक्ट हो गए थे। क्लियर। उसके अकॉर्डिंग क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। तो इनकरेक्ट फॉर बिगेस्ट डायनासोर्स, टायरेनोसोर्स रेक्स था, करेक्ट है। 40 फीट हाइट दे रखी है तो 40 फीट हाइट इनकरेक्ट है, कितनी थी, 20 फीट हाइट थी इनकी। यूज फियरसम डेगर लाइक टीथ थे, ये भी करेक्ट है। अबाउट 65 मिलियन ईयर्स एगो सडनली डिसअपियर्ड, ये भी करेक्ट है। तो डायनासोर्स
लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके थे। क्लियर यहां तक? तो ये इनके लिए बाकी सब सही है। इनकरेक्ट क्या है, 40 फीट इन हाइट जो थे वो इनमें इनकरेक्ट है। कितनी हाइट थी इनकी, 20 फीट हाइट थी इनकी। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा, इसका सेकेंड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द ग्रुप ऑफ मैमल्स लिव फॉल इन वाटर, जो पूरी तरीके से वाटर में प्रेजेंट थे वो इनके अंदर कौन से थे, वेल, डॉल्फिन, हिप्पोकैम्पस। तो ये इनके अंदर मैमल्स, हिप्पोकैम्पस मैमल्स नहीं था, क्या थी, फिश थी, सील, सीकाउ, राइनो। तो इनके अंदर राइनो जो है वो इनके अंदर इसमें वाटर में नहीं था। टेरोपस, ब्लू वेल, सील, टेरोपस जो है वो वाटर में नहीं होती। टेरोपस क्या है, चमगादड़, फ्लाइंग फॉक्स जो है वो वाटर में नहीं होती। डेल्फिनस, सील्स, बेलेनोप्टेरा, बेलेनोप्टेरा होती है ब्लू वेल, सील और डेल्फिनस, ये चारों ही जो है वो वाटर में या एक्वेटिक हैबिटेट में प्रेजेंट होती है। तो फोर्थ आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 43, जोलेस फिश प्रोबेबली इवोल्व अराउंड, जोलेस फिश जो है वो कब इवोल्व हुई थी, 350 मिलियन ईयर्स एगो। जोलेस फिश जो है वो सबसे पहले इवोल्व हुई थी, वो 350 मिलियन ईयर्स एगो हुई थी। तो करेक्ट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर रहेंगे इसके। उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 44, द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी इज द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन इज, तो ह्यूमन की या मानव के विकास की सर्वाधिक सफलता की कहानी जो है वो किस आधार पे है, आत्मबोध, स्वचेतना, ऐसे इनके अंदर जो है वो व्यवहार के कारण जो है वो सबसे ज्यादा सक्सेस जो है वो ह्यूमन अर्थ पे इवोल्व हुए थे। क्लियर यहां तक? तो ये इनके अंदर जो है वो सेल्फ कॉन्शियसनेस, प्रिडेशन, मिमिक्री, कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज का मतलब सेम बैकग्राउंड पीछे का, मिमिक्री दूसरे की नकल करना, प्रिडेशन परभक्षण, स्वचेतना। तो कौन सा व्यवहार जो है वो इनमें ऐसा था जिसके कारण से मानव जो है उसका विकास सर्वाधिक सफलता की कहानी है, तो कौन सा रहेगा, स्वचेतना या सेल्फ कॉन्शियसनेस। फर्स्ट आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। एनसीईआरटी की लाइन है पूरी दे रखी है भाई, आत्मबोध, स्वचेतना, ये बुद्धिमत्ता, ये कुछ ऐसे गुण मानव के अंदर पाए जाते थे जिसके कारण से जो है वो इंटेलिजेंस स्किल के कारण, सेल्फ कॉन्शियसनेस के कारण, इनके कारण जो है वो ह्यूमन अर्थ पर जो है वो सबसे ज़्यादा सक्सेस रहे थे। तो ये इनमें करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसका। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 45, विच वन करेक्ट अबाउट ट्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस, विच वन करेक्ट अबाउट ट्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस प्राइमेट एंड एग्जिस्टिंग अबाउट 1.5 मिलियन ईयर्स एगो। ये सही है, प्राइमेट थे लेकिन एग्जिस्टिंग अबाउट 1.5 मिलियन ईयर्स एगो, ये इनकरेक्ट हो गया। क्लियर? तो पहला इनकरेक्ट, नॉन प्राइमेट एंड एग्जिस्टिंग अबाउट 1.5 मिलियन ईयर्स एगो, नॉन प्राइमेट भी नहीं थे और 1.5 मिलियन ईयर्स एगो भी नहीं थे, दोनों इनकरेक्ट हो गए। नॉन प्राइमेट एंड एग्जिस्टिंग अबाउट 18 मिलियन ईयर्स एगो, तो इनके अंदर ये लगभग 18 मिलियन वाला सही हो सकता है लेकिन यहाँ नॉन प्राइमेट दे दिया, ये इनकरेक्ट है। ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस ये एप्स थे, दोनों ऐप जो थे वो क्या थे, प्राइमेट्स थे। तो इनके अंदर प्राइमेट्स एंड एग्जिस्टिंग अबाउट 18 मिलियन ईयर्स एगो, करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी में दे रखा है 15 मिलियन ईयर्स एगो तक जो है वो ड्रायोपिथेकस और ड्रामापिथेकस जो ऐप जो थे वो अर्थ पर एग्जिस्ट थे, जो उस टाइम जो है वो ये अर्थ पर प्रेजेंट थे, विद्यमान थे। और ओरिजिन जो है इनका, इवोल्यूशन है वो लगभग 18-19 मिलियन ईयर्स एगो जो है वो ये इवोल्व हो चुके थे और 15 मिलियन ईयर्स एगो तक जो है वो अर्थ पर विद्यमान थे। समझ में आ गई? उसके अंदर जो एनसीईआरटी में दे रखा 15 मिलियन ईयर्स एगो एग्जिस्ट थे, तो एग्जिस्ट थे उससे पहले वो इवोल्व हो चुके थे, तो 18 मिलियन ईयर्स एगो जो है वो एग्जिस्टेड थे और क्या थे, ये प्राइमेट थे। तो करेक्ट आंसर इसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या चला जाएगा, फोर्थ आंसर जो है वो इसका करेक्ट होगा, प्राइमेट एंड एग्जिस्टिंग अबाउट 18 मिलियन ईयर्स एगो, फोर्थ आंसर करेक्ट होगा। क्लियर? उसके बाद देखें इसमें नेक्स्ट है 46, सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट्स एग्जिस्टेड प्रोबेबली अराउंड, कब होते थे,
सी वीड्स और प्लांट्स जो है वो कभी बोल रहे थे अर्थ पे, ये अर्थ पे जो है वो 320 मिलियन ईयर्स एगो जो है वो अर्थ पे होते थे। कौन कौन से? सी वीड, समुद्री खरपतवार और पादप जो है वो संभवतः कब विद्यमान थे? तो कुछ पादप और समुद्री खरपतवार कब थे? 320 मिलियन ईयर्स एगो प्रेजेंट थे। क्लियर। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 47 में एंटर्ड विद स्टोन वेपन्स बट एसेंशियली एट फ्रूट्स एसोसिएटेड विद, जो स्टोन वेपन से शिकार तो करते थे लेकिन थे कैसे? शाकाहारी थे, हर्बीवोर्स थे, जो केवल फ्रूट्स खाते थे। ये किसके लिए आया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था, ऐप मैन जो पहली बार इवॉल्व हुए थे, उन ऐप मैन के लिए आया है जो कैसे थे? स्टोन वेपन्स का यूज करते थे, हंटिंग करते थे, अपने एंटरटेनमेंट का जरिया बना रखा था, हंटिंग करना, शिकार करना और करना, लेकिन खाने में वो उसका यूज नहीं करते थे, फ्रूट्स खाते थे। ये क्या थे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो ये करेक्ट आंसर जो है वो इसका क्या रहेगा? थर्ड आंसर जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे। क्लियर। और उसके बाद नेक्स्ट देखें 48, विच वन करेक्ट अबाउट ऑस्ट्रेलोपिथेकस? ऑस्ट्रेलोपिथेकस के लिए जो है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के लिए करेक्ट जो है वो इनमें से क्या है? पहला देखा है 2 मिलियन ईयर्स एगो एंड लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। करेक्ट है, एनसीईआरटी की लाइन है पूरी कि ये ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में जो है वो कब प्रेजेंट थे? 2 मिलियन वर्ष पहले जो है वो ये पाए जाते थे। तो पहला ही करेक्ट हो गया, इसमें दे रखा है 2 मिलियन ईयर्स एगो, साउथ अमेरिका दे दिया, इनकरेक्ट है। पॉइंट वन, ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट है। तो करेक्ट जो है वो क्या जाएगा इसका? फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखें 49, फिश विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर, दिस वाज अबाउट। तो स्टाउट और स्ट्रॉन्ग फिन्स वाली जो फिशेस थी, जिसको क्या नाम दिया गया था? सिलोकेंथ जो है वो जिसको नाम दिया गया था, वो फिश अर्थ पर जो है वो कब देखी जाती थी? कब थी वो? 350 मिलियन ईयर्स एगो इस तरह की फिश जो है वो इवोल्व हुई थी, जो एक्वेटिक हैबिटेट के साथ साथ या वाटर बॉडी के साथ साथ जो है वो किस पे आ जा सकती थी? लैंड पर भी आ जा सकती थी। तो ये 350 मिलियन ईयर्स एगो थी, इसको क्या नाम दिया गया था? सिलोकेंथ का नाम दिया गया था, लोबेबिन फिश थी वो। क्लियर यहाँ तक? तो ये इनमें जो है वो थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड लैंड वर, पहले जीव जो धरती पर प्रकट हुए वो कौन से थे? एनिमल्स, प्लांट्स, प्लेटेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस। तो पहले एनिमल्स इवोल्व हुए थे या प्लांट्स थे? अर्थ पर जो सबसे पहले इवोल्व हुए थे, लैंड पर जो सबसे पहले धरती पर प्रकट हुए थे वो प्लांट्स थे। प्लांट्स के बाद जो है वो एनिमल्स इवोल्व हुए। समझ में आ गई? प्लांट्स से पहले एनिमल्स का इवोल्यूशन जो है वो नहीं हुआ था, पहले प्लांट्स इवोल्व हुए, उसके बाद जो है वो एनिमल्स इवोल्व हुए थे। क्लियर यहां तक? तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा? सेकंड आंसर जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा कि पहले प्लांट्स इवोल्व हुए थे, बाद में जो है वो इनके अंदर एनिमल्स का इवोल्यूशन हुआ था। क्लियर। तो थर्ड इसमें जो है वो सेकंड आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 51, विच क्रिएचर वाज कॉल्ड द फर्स्ट ह्यूमन लाइक, पहले ह्यूमन लाइक जो है वो इनमें से कौन सा था? यानी होमिनिड जो फैमिली है उसका मेंबर जो है वो इनमें से कौन सा था? निम्न में से कौन सा जीव मानव जैसे प्राणी के रूप में जाना गया, यानी होमिनिड कुल का या होमिनिड फैमिली का पहला मेंबर जो है वो इनमें से कौन सा था? क्रोमैग्नन, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, होमो सेपियंस। होमो हैबिलिस जो है वो फर्स्ट होमिनिड फैमिली का फर्स्ट मेंबर था। क्लियर यहां तक? उसके बाद, क्योंकि उससे पहले तक ऑस्ट्रेलोपिथेकस था जो क्या था? ऐप मैन था, नर वानर जो है इसमें जो है वो था, जिसके अंदर ऐप के और वन मानुष था, जिसमें ऐप के और उसके साथ साथ जो है वो ह्यूमन के दोनों के कैरेक्टर्स जो है वो प्रेजेंट थे। क्लियर यहां तक? उसके बाद होमिनिड फैमिली का जो पहला मेंबर आया था वो होमो हैबिलिस था, जिसको फर्स्ट टूल मेकर भी कहा गया था। तो थर्ड आंसर इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 52, मैच द फॉलोइंग
अब इसमें ब्रेन कैपेसिटी और इनके साथ मैच करवाना है, होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस की जो ब्रेन कैपेसिटी है वो कितनी होती है, 600 to 800 सीसी जो है वो क्रेनियल कैपेसिटी होती है। तो होमो हैबिलिस की क्रेनियल कैपेसिटी किसके साथ मैच करती है, 780 सीसी, ये हो गया बी। और उसके साथ साथ इसमें से कौन सा आएगा, होमो हैबिलिस में यूज्ड हाइड्स फॉर प्रोटेक्शन, ये नियंडरथल का था, डिड नॉट ईट मीट, ये करेक्ट है इसका, एट मीट, ये होमो इरेक्टस के लिए आएगा। तो ये बी के साथ क्यू आएगा इसका, क्लियर आ तक। उसके बाद होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस की क्रेनियल कैपेसिटी जो थी वो क्या थी, 900 सीसी, और ये 8 मीट, मीट खाते थे, ये इसके साथ ये करेक्ट हो जाएगा। नियंडरथल मैन की जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो लगभग 1300 to 1400 सीसी थी, तो लगभग 1400 सीसी इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी। और इसके साथ जो है वो क्या आएगा, यूज्ड हाइड्स फॉर प्रोटेक्शन, ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए शरीर को ढकने के लिए जो है वो हाइड्स का, जानवरों की खाल का यूज करते थे, रक्षा के लिए खालों का इस्तेमाल करते थे। तो इसके साथ जो है वो अब आप मैचिंग देखें, फर्स्ट जो होमो हैबिलिस है उसके साथ बी और क्यू, तो फर्स्ट के साथ बी और क्यू पहले में नहीं आ रहा, सेकंड में आ रहा है, फर्स्ट के साथ बी एंड क्यू, सेकंड के साथ सी और आर, सेकंड के साथ सी और आर, और थर्ड के साथ ए और पी, तो थर्ड के साथ ए और पी, तो सेकंड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर आ तक। इसके कैरेक्टर के साथ, ब्रेन साइज के साथ जो है वो इसकी मैचिंग करवानी है, तो आंसर जो है वो करेक्ट क्या जाएगा, सेकंड हो जाएगा। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 53, द भीमबेट का रॉक शेल्टर इज पॉपुलर फॉर विच एसोसिएशन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, भीमबेट का रॉक जो है वो किसके लिए पॉपुलेशन, इसमें ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड है, जो किसके लिए फेमस है, तो मनुष्य के विकास से संबंधित भीमबेट का चट्टान शरण किसके लिए प्रसिद्ध है। वहाँ भीमबेट का जो चट्टाने हैं एमपी के अंदर बनी हुई है, रायसेन जिले के अंदर बनी हुई है, उस रायसेन जिले के अंदर बनी हुई ये भीमबेट का जो है उनके अंदर कई केव पेंटिंग जो है वो उसमें देखी गई है, केव पेंटिंग में केव आर्ट जो है उसमें देखी गई थी, जो गुफाओं के अंदर जो क्रोमैग्नन मैन जो थे उनके द्वारा बनाई गई जो गुफाओं के अंदर कई तरह की चित्रकारी जो है वो देखी गई थी। तो केव आर्ट को जो है वो इसके अंदर सबसे पहले इसमें भीमबेटका की चट्टानों के अंदर जो है वो देखा गया था। तो ये केव पेंटिंग रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, करेक्ट आंसर जो है वो फर्स्ट होगा। नई एनसीईआरटी में भाई ये ऐड कर रखा है भीमबेटका का, पुरानी एनसीईआरटी की बुक में जो है वो इसका कहीं ज़्यादा डिस्कस नहीं दे रखा है, लेकिन न्यू एनसीईआरटी है उसके अंदर इसके साथ साथ ये चीज़ जो है वो ऐड कर रखी है। थोड़ा सा जिनके पास एनसीईआरटी न्यू एडिशन नहीं है वो थोड़ा सा इसको ढंग से जो है वो समझ ले, नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उसमें क्लियर दे रखा है कि भीमबेटका जो है वहाँ की जो चट्टानों के अंदर जो है वो इस तरह के गुफा चित्रों को देखा गया है, क्लियर। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा, फर्स्ट है इसका केव पेंटिंग रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, क्लियर। तो फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट है। उसके बाद देखें नेक्स्ट, मॉडर्न होमो सेपियंस एरोज ड्यूरिंग, मॉडर्न होमो सेपियंस जो है वो कब एरोज हुए, मॉडर्न होमो सेपियंस जो है इनका इवोल्यूशन है वो कब हुआ है, आइस एज बिटवीन 75,000 to 10,000 ईयर्स बैक, समझ में आ गई, कब हुआ है, होमो सेपियंस जो है मॉडर्न होमो सेपियंस जो अराइज हुए हैं इनका इवोल्यूशन आइस एज में हुआ है, जो 75,000 to 10,000 ईयर्स बैक है, क्लियर यहां तक। तो करेक्ट आंसर जो है वो इसका क्या रहेगा, सेकंड आंसर इसका करेक्ट होगा। डाटाबेस होते हैं भाई, वहां आपको याद ही करने पड़ेंगे डाटा कि कब किसका इवोल्यूशन हुआ है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन जो है वो उसमें दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बने हुए हैं, तो आपको वही लाइनें अगर ढंग से पढ़ रखी है और पूरी कंसंट्रेट होकर अगर एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ा है तो हर क्वेश्चन जो है वो इन्हीं लाइनों से, तो ये आपको याद ही करनी पड़ेंगी। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, आइस एज बिटवीन 75,000 to 10,000 ईयर्स पे, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, क्लियर यहाँ तक। तो सेकंड आंसर इसका करेक्ट है। उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 55,
विच वन करेक्ट अबाउट आर डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, इनमें से आर डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम के लिए करेक्ट जो है वो कौन सा है। अभी दो तीन बार आपको ये फॉर्मूला समझा दिया है, तो कौन सा होगा इनमें। हार्डी विनबर्ग के लिए ये भी इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, यहाँ क्यू स्क्वायर होना चाहिए था, ये भी इनकरेक्ट है, ये पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इजल टू वन। तो करेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा इसमें, करेक्ट है वो फोर्थ है, पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इजल टू वन हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, तो करेक्ट आंसर जो है वो इसका फोर्थ होगा। इसके बाद नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन नंबर 56, द गैसेज यूज्ड इन द मिलर्स डिस्चार्ज अपैरेटस वर, मिलर के डिस्चार्ज अपैरेटस में जो है वो कौन कौन सी गैसेज को यूज किया गया था, जिसमें एक तो वाटर वेपर था H2O, हाइड्रोजन थी H2, मीथेन CH4, अमोनिया NH3। तो इन गैसेज को यूज किया गया था, तो पहले ऑप्शन में देखा हाइड्रोजन मीथेन अमोनिया, ये करेक्ट है। दूसरे ऑप्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड दे रखी है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें नहीं ली गई थी। थर्ड ऑप्शन में ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन उस टाइम थी नहीं। फोर्थ ऑप्शन में भी ऑक्सीजन दे रखी है, तो ऑक्सीजन भी उस टाइम तक अर्थ पर इवोल्व नहीं हुई थी। क्लियर यहाँ तक, ऑक्सीजन जो इवोल्व हुई थी या ऑक्सीजन जो बनी थी वो कब बनी, जब पहली बार जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी टाइप के प्रोकैरियोट्स जब इवोल्व हो गए थे, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स जब पहली बार इवोल्व हुए थे, उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज होनी शुरू हुई थी। उससे पहले तक फ्री ऑक्सीजन जो है वो अर्थ पे थी नहीं। क्लियर यहाँ तक, इसलिए मिलर ने भी अपने एक्सपेरिमेंट में कहीं भी ऑक्सीजन को यूज नहीं किया था। किस किस का यूज किया था, हाइड्रोजन मीथेन अमोनिया और वाटर वेपर, अगर H2 हो रहा था तो वो सही हो जाता। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या आ जाएगा इसका, फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 57, कोएसर्वेट्स आर, कोएसर्वेट्स क्या थे, कोलोइडल ड्रॉपलेट्स थे, करेक्ट है। कंटेन न्यूक्लियोप्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स प्रेजेंट थी इनमें। प्रीबायोटिक सूप, प्रीबायोटिक सूप तो जो है वो क्या, किसको कहा गया, पूरा जो प्रिमिटिव ओशियंस जो बने थे उन पूरे प्रिमिटिव ओशियंस को प्रीबायोटिक सूप नाम दिया गया था। क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो उसके अंदर प्रेजेंट थे, और उसको प्रीकर्सर माना था कि आगे लाइफ की ओरिजिन उससे हुई होगी, जिसको हेल्डन ने हॉट डाइल्यूट सूप नाम दे दिया था और ओपेरिन ने उसको प्रीबायोटिक सूप कह दिया था। तो ये प्रीबायोटिक सूप जो है वो पूरे उस प्रिमिटिव ओशंस या उस आदि सागर के जल को कहा गया था, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। कोलोइडल ड्रॉपलेट्स भी थे इस टाइप के, जो है वो कोलोइडल ड्रॉपलेट्स है जिनके अंदर जो है वो न्यूक्लियो प्रोटीन्स जो है वो उसमें प्रेजेंट थी इस टाइप के। क्लियर यहाँ तक, तो इस तरह के जो न्यूक्लियो प्रोटीन वाले कोलोइडल पार्टिकल्स जो थे वो कोएसर्वेट्स थे। क्लियर, तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा इसका, फोर्थ आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 58, द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स वाज प्रूव्ड बाय, सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का बनना, यानी अमीनो एसिड्स वगैरह जो बने थे, अमीनो एसिड्स है, पिगमेंट्स है, नाइट्रोजन बेस है, इनकी जो फॉर्मेशन थी, इनके अंदर सबसे पहले जो है वो सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को जो एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव किया था वो किसने किया था, इनमें से रेडी पाश्चर एरिनियस स्टेनले मिलर, स्टेनले मिलर ने जो है वो इसको सबसे पहले जो है वो प्रूव किया था। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ आंसर हो जाएगा, स्टेनले मिलर, इसने सबसे पहले इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो पहली बार बने थे। क्लियर। उसके बाद इसमें देखिए 59, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डाइवर्सिटी है उसका क्या कारण रहा है, म्यूटेशंस, ग्रेजुअल चेंजेस, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंजेस, शॉर्ट टर्म इवोल्यूशनरी चेंजेस। जीवित जीवों में विविधता का कारण है, आज जितनी भी जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी की हम स्टडी करते हैं, कितनी सारी स्पीशीज, कई मिलियन नंबर्स में स्पीशीज जो है वो दी गई है, वो सारी स्पीशीज जो है वो अपने आप में एक अचानक होने वाला या एक साथ होने वाला किसी तरह का म्यूटेशन या अचानक से जो है वो किसी टाइम होने वाला कोई इवोल्यूशनरी चेंज के कारण
इतनी सारी स्पीशीज नहीं बनी है। ये अपने आप में एक ग्रेजुअल प्रोसेस रही है, जो एक लॉन्ग टर्म के इवोल्यूशनरी चेंजेस के कारण जो है वो नई नई स्पीशीज बनती रही है, और आगे फ्यूचर में भी कई तरह की नई स्पीशीज है वो बनती रहेगी और कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट भी होती रहेगी। क्लियर यहां तक? तो ये अपने आप में अगर जैव विविधता का कारण अगर हम देखें तो ये म्यूटेशन, अकेला म्यूटेशन भी नहीं है, ग्रेजुअल चेंजेस भी अकेला नहीं हो सकता, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंजेस है कि लंबे टाइम तक इसके अंदर जो है वो धीरे धीरे जो इवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं उनके कारण नई नई स्पीशीज है वो इवोल्व होती गई, जिसके कारण से बायोडाइवर्सिटी जो है वो बढ़ती गई है। क्लियर यहां तक? तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा इसका, थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंजेस के कारण हुआ है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 60, द इवोल्यूशन ऑफ न्यूमरस स्पीशीज सच एज डार्विन्स फिंचेस फ्रॉम ए सिंगल एंसेस्टर इज कॉल्ड। एक सिंगल एंसेस्टर से डार्विन फिंचेस की डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज का इवोल्व होना, डार्विन फिंचेस में अलग अलग तरह की फिंचेस का इवोल्व होना, बीक शेप में चेंजेस आना, वो किसके कारण हुआ है? एडेप्टिव रेडिएशन के कारण। इसमें आपने पहले भी पढ़ा, भी एक क्वेश्चन में भी आया, एनसीईआरटी में साफ साफ लाइन दी हुई है, द मोस्ट सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन, डार्विन फिंचेस को जो है वो इसका सबसे मोस्ट एडेप्टिव में सुटेबल एग्जाम्पल जो है वो माना गया है। तो न्यूमरस स्पीसीज सच एज डार्विन फिंचेस सिंगल एंसेस्टर से इवोल्व हुई है तो क्या कहेंगे उसको? एडेप्टिव रेडिएशन। तो फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद देखें 61, विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंसेस डज नॉट फेवर द लेमार्कियन कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। लेमार्कियन कंसेप्ट जो है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का या अर्जित लक्षणों की वंशागति का, लेमार्क का जो सिद्धांत है इसके पक्ष में कौन सा एविडेंस या प्रमाण जो है वो नहीं है? एविडेंस डज नॉट फेवर, उसके पक्ष में कौन सा प्रमाण नहीं है? एब्सेंस ऑफ लिम्स इन स्नेक्स, ये उसका प्रमाण है, करेक्ट है। मेलनाइजेशन पेपर्ड मोथ, ये नहीं होगा, ये नेचुरल सिलेक्शन का प्रमाण है। प्रेजेंस ऑफ वेब्ड टोज इन एक्वेटिक बर्ड्स, जो बतख वगैरह के अंदर पैरों के बीच बीच में, पैरों के उंगलियों के बीच में वेब बन जाती हैं, वो भी क्या है, ये एक्वायर्ड कैरेक्टर की इनहेरिटेंस का प्रमाण है। लैक ऑफ पिगमेंट इन केव ड्वेलिंग एनिमल्स, केव ड्वेलिंग एनिमल्स जो होते हैं उसके अंदर गुफा में रहने वाले प्राणियों के अंदर वर्णकों की जो कमी हो जाती है वो भी क्या है, वो भी अपने आप में ये लेमार्कियन थ्योरी को जो है वो फेवर कर रहा है, तो ये भी करेक्ट है। तो कौन सा फेवर नहीं कर रहा? सेकंड जो है वो लेमार्कियन थ्योरी को फेवर नहीं कर रहा, तो आंसर जो है वो क्या जाएगा? सेकंड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद देखें 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गेन। होमोलोगस ऑर्गेन्स का करेक्ट एग्जाम्पल जो है वो इनमें से क्या है? विंग्स ऑफ बैट एंड फोर लिम्स ऑफ हाउस हॉर्स होगा ये, तो ये इनके अंदर जो है ये भी कुछ थोड़ी बहुत मिसप्रिंटिंग है, वो तो आप थोड़ा सा आइडिया लगा लें, क्योंकि एग्जाम्पल वगैरह सारे एनसीईआरटी के हैं ये, इसलिए आप ज़्यादा इसमें जो है वो हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी से मैच कर रहे हैं उसके हिसाब से करना आपको। तो विंग्स ऑफ बैट एंड फोर लिम्स ऑफ हॉर्स ये इसमें जो है वो होमोलोगस ऑर्गेन्स का एग्जाम्पल है, करेक्ट है। ह्यूमन ट्रेकिया एंड इंसेक्ट ट्रेकिया एनालोगस है, ह्यूमन किडनी एंड अर्थवॉर्म नेफ्रिडिया ये दोनों एनालोगस है, सेम फंक्शन कर रहे हैं लेकिन ओरिजिन डिफरेंट है। टेंटिकल्स ऑफ हाइड्रा एंड आर्म्स ऑफ स्टारफिश सेम फंक्शन है लेकिन ओरिजिन डिफरेंट है, तो ये सारे के सारे जो है वो एनालोगस है। होमोलोगस ऑर्गेन्स पहला ही है, विंग्स ऑफ बैट एंड फोर लिम्स ऑफ हॉर्स, जिनके अंदर क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से जो है वो ये इसके फंक्शन कर रहे हैं, चमगादड़ के पंख और घोड़े के अग्रपाद। क्लियर? पहला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 63, एनिमल्स दैट पोजेस होमोलोगस ऑर्गेन्स प्रोबेबली, जिसमें होमोलोगस ऑर्गेन्स जिन जंतुओं में बन रहे हैं या जो जंतु जो समझात अंग रखते हैं संभवतः आर नॉट रिलेटेड, संबंधित नहीं होते, गलत है। आर हेडेड फॉर एक्सटिंक्शन, लुप्त होने के लिए होते हैं, ये भी इनकरेक्ट है। इवोल्व फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर्स, ये सही है, एक कॉमन एंसेस्टर से इवोल्व हुए हैं, फर्स्ट एंड थ्री बोथ, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट जो है वो क्या जाएगा इसमें, करेक्ट जो है वो क्या है कि ये इवोल्व फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर,
तो ये कॉमन एंसेस्टर से या एक समान पूर्वज से विकसित हुए, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो थर्ड हो जाएगा, इवोल्व फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स, एक ही कॉमन एंसेस्टर से इवोल्व हुए, थर्ड आंसर इसका करेक्ट है, क्लियर। उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 64, इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस इज द डेवलपमेंट ऑफ, इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस इज द डेवलपमेंट ऑफ, किसका डेवलपमेंट है, विकासीय विसरण किसका परिवर्धन है, रैंडम मैटिंग का, गलत है, डिससिमिलर कैरेक्टर्स इन द क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स, कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टर्स इन क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स, कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टर्स इन क्लोजली ग्रुप ऑफ डिफरेंट एंसेस्ट्री, करेक्ट जो है वो क्या जाएगा अभी, फोर्थ हो जाएगा। इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंसेस्टर्स हैं उनके क्लोजली लिंक जो ग्रुप होते हैं उनके अंदर सिमिलरिटी का डेवलप हो जाना या कॉमन कैरेक्टर्स का डेवलप हो जाना, भिन्न भिन्न पूर्वजों के समूह में लक्षणों का एक समान समुच्चय, तो भिन्न भिन्न पूर्वजों के समूह में यानी इनके एंसेस्टर्स जो है वो अलग है और एक दूसरे के साथ वो क्लोजली लिंक ग्रुप है, एक दूसरे के पैरेलल ग्रुप है, उनके अंदर कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स का कॉमन सेट डेवलप हो जाना वो क्या होता है इनमें, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस। क्लियर यहां तक जो आपने पढ़ा है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का और उसके साथ साथ प्लेसेंटल मैमल्स का, इन दोनों के अंदर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एंसेस्ट्री, डिफरेंट एंसेस्ट्री के एनिमल्स हैं जिनके अंदर क्लोजली जो रिलेटेड ग्रुप्स है उनके बीच कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं, तो वो क्या इनमें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस होगा। क्लियर यहां तक, करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर वेस्टिजियल स्ट्रक्चर इन ह्यूमन बींग, इनमें से मनुष्य में अवशेषी संरचनाओं के समूहों का है, तो अवशेषी संरचनाएं या इनके अंदर जो है वो वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स जो है वो कौन सी होती हैं, कॉकिक्स, विजडम टूथ एंड पेटेला, इसमें पेटेला जो है वो वेस्टिजियल नहीं होती, कॉकिक्स, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है ये, ईयर पिना मसल्स, तो ये इनके अंदर जो है वो तीनों ही वेस्टिजियल ऑर्गेन्स होंगे, हेयर, ईयर ओसिकल्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, तो इनके अंदर जो है वो ईयर ओसिकल्स है वो इनमें वेस्टिजियल नहीं होती, और हेयर्स भी वैसे वेस्टिजियल नहीं होते, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए होते हैं मेनली, विजडम टूथ, थर्ड आईलिड, ह्यूमरस वेस्टिजियल नहीं होती, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सेकेंड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, कॉकिक्स, कॉडल वर्टिब्री जो होती है वो कॉकिक्स होती है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो थर्ड आईलिड होते हैं ह्यूमन में, और ईयर पिना की जो मसल्स है ये वेस्टिजियल है, तो सेकेंड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 66, फॉसिल्स रिमेन्स ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स इज डिकेड्स दैट, क्या इंडिकेट करती है ये, इनमें आर्कियोप्टेरिक्स का जीवाश्म जो है वो किस चीज को इंडिकेट करता है, इट वॉज ए फ्लाइंग रेप्टाइल इन परमियन पीरियड का फ्लाइंग रेप्टाइल था, गलत है, रेप्टाइल्स गेव राइज टू बर्ड्स ड्यूरिंग जुरेसिक पीरियड्स, ये करेक्ट है कि रेप्टाइल्स जो है गेव राइज टू बर्ड्स, कि रेप्टाइल्स से जो है वो आगे बर्ड्स का इवोल्यूशन हुआ है, रेप्टाइल्स से भी ये मिस प्रिंटिंग कुछ जगह हो रखी है, तो रेप्टाइल्स गेव राइज टू बर्ड्स ड्यूरिंग जुरेसिक पीरियड, तो रेप्टाइल्स से जो है वो बर्ड्स का इवोल्यूशन हुआ है, कब, जुरेसिक पीरियड में, इट वॉज फ्लाइंग रेप्टाइल ऑफ ट्राइएसिक पीरियड, गलत है, रेप्टाइल्स गेव राइज टू मैमल्स इन क्रिटेशियस पीरियड, ये भी गलत है, मैमल्स के और इनके बीच कनेक्टिंग लिंक नहीं है, आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो किसकी कनेक्टिंग लिंक है, आर्कियोप्टेरिक्स जो कनेक्टिंग लिंक है वो रेप्टाइल्स और बर्ड्स की है, जो इस बात को इंडिकेट करती हैं कि बर्ड्स का इवोल्यूशन जो है वो किससे हुआ, रेप्टाइल्स से हुआ, और वो किस टाइम में हुआ, जुरेसिक पीरियड में जो है वो ये इवोल्व हुए, तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा इसका, सेकेंड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर यहां तक, तो ये इसमें सेकेंड आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 67, द प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स इन द एम्ब्रियो वर्टिब्रेट्स सपोर्ट टू, ये एम्ब्रियो के इसमें वर्टिब्रेट एम्ब्रियो के अंदर गिल स्लिट्स का बनना किस चीज को इंडिकेट करता है,
गिल स्लिट्स का बनना जो है वो इस बात को इंडिकेट करता है कि इनके एंसेस्टर्स में किसी टाइम जो है वो गिल स्लिट्स हुआ करते थे, गिल स्लिट्स एंसेस्टर्स में हुआ करते थे। इट मीन्स किसको रिपीट कर रहा है, ओंटोजेनी रिपीट्स देयर फाइलोजेनी, तो ओंटोजेनी जो है वो उनकी फाइलोजेनी को रिपीट कर रही है। ये बात किसने बताई थी, अनस्टिकल ने, तो ये अनस्टिकल की थ्योरी जो है उसको सपोर्ट कर रहा है। क्लियर यहाँ तक, तो ये इसमें अनस्टिकल की जो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है उसको इंडिकेट कर रहा है। क्लियर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देखें 68, द एज ऑफ फॉसिल्स आर कैलकुलेटेड बाय, फॉसिल्स की एज को कैलकुलेट करने के लिए जो है वो उस रॉक्स की या उस सेडिमेंट की एज को जो है वो कैलकुलेट करते हैं। जिस सेडिमेंट में, जिन रॉक्स में, जिन चट्टानों में इनको देखा गया था फॉसिल्स को, उन चट्टानों की या उन सेडिमेंट की एज को कैलकुलेट करते हैं। उन सेडिमेंट की एज जो होगी वही उस फॉसिल्स की एज होती है कि उस टाइम वो स्पीशीज हुआ करती थी। आज हम अलग अलग जो है वो हॉर्स की रेसेस के बारे में पढ़ते हैं कि इक्वस से पहले जो है वो प्लियोइपस, मीजोइपस, मैरिचिपस जो ही बोल रहे थे वो कब हुए थे, तो वो किस बेस पर है, वो उनके अंदर जो है वो उनकी जो सेडिमेंट्स है उनकी एज के बेस पर होता है। और सेडिमेंट की एज को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड होता है, इनमें रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड है वो इसके लिए होता है, जिसके कारण रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं उनके बेस पर जो है वो इनकी एज को डिटरमाइन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या रहेगा, इसका थर्ड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 69, द करेक्ट ऑर्डर इज पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक एरा, पहला ही जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर आपको ध्यान होगा भी जो एरा है, इन एरा के अंदर सबसे पहले का जो एरा था वो एजोइक एरा था। इनके अंदर जो है वो एरा में इस तरीके से होता है, सबसे पहले जब कोई भी एनिमल्स इवोल्व नहीं होता पृथ्वी पे, अर्थ पे, तब एजोइक एरा था। उसके बाद जो एरा आया वो आर्कियोजोइक एरा, उसके बाद आर्कियोजोइक एरा, आर्कियोजोइक एरा के बाद प्रोटीरोजोइक एरा, इसके बाद प्रोटीरोजोइक एरा, और प्रोटीरोजोइक एरा के बाद पैलियोजोइक एरा, उसके बाद पैलियोजोइक एरा, और पैलियोजोइक एरा के बाद मीसोजोइक एरा, और मीसोजोइक एरा के बाद सीनोजोइक एरा, उसके बाद सीनोजोइक एरा ये आया। इस तरीके से जो है वो एरा का जो है वो टाइम रहा है, सबसे पहले एजोइक था जब अर्थ का इवोल्यूशन हुआ, लेकिन कोई एनिमल स्पीशीज या कोई भी तरह की ऑर्गेनिज्म जो है उसमें नहीं था। आर्कियोजोइक एरा, प्रोटीरोजोइक एरा, पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक, तो करेक्ट सीक्वेंस जो है वो क्या रहेगी, पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक एरा। क्लियर, तो ये करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसका। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, द ग्रेटेस्ट इवोल्यूशनरी चेंज एनेबलिंग द लैंड वर्टिब्रेट्स टू द कंप्लीटली फ्री फ्रॉम वाटर वाज द डेवलपमेंट ऑफ, एक्वेटिक जो एनिमल्स थे निम्न में से किसका परिवर्तन होना एक बहुत बड़ा विकासीय परिवर्तन था जिससे स्थलीय कशेरुकी जल से पूर्णतः मुक्त हुए, जिनके अंदर इससे पहले तक फिशेज जो है वो पूरी तरीके से एक्वेटिक थी, एम्फीबिया में एक्वेटिक हैबिटेट के साथ साथ लैंड हैबिटेट पर रहने के लिए भी एडेप्टेशन इवोल्व हो गए थे। क्या इवोल्यूशन डेवलप हो गए थे इनमें, एम्फीबिया जो है वो बीच बीच में लैंड पर भी आ जा सकते थे, लेकिन उनको रिप्रोडक्शन के लिए जो है वो वाटर हैबिटेट की या एक्वेटिक हैबिटेट की रिक्वायरमेंट होती थी। कारण एक तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन था और दूसरा उसके साथ साथ ये नॉन क्लिडोइक एग ले करते थे। जब इनके अंदर जो है वो क्लिडोइक एग ले करने लग गए, उसके बाद इनके अंदर एम्ब्रियो को लैंड पर जो है वो ड्राई होने से वो प्रोटेक्ट कर सकते थे। अब उस कंडीशन में जब क्लिडोइक एग बन गया था उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच बनने लग गए थे, उसके बाद उनके अंदर एम्ब्रियो के जो है वो ड्राई होने का खतरा खत्म हो गया। उसके कारण जो है वो क्या हो गए, वो लैंड हैबिटेट के लिए या पूरी तरीके से टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए एडेप्टिव हो गए थे। उसके बाद उनको पानी में जाने की कोई ज़रूरत, रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। इसका मतलब क्या हो गया इसमें, ये वर्टिब्रेट्स टू द कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम वाटर वॉज द डेवलपमेंट ऑफ थिक सेल्ड एग्स, यानी कैल्शियम कार्बोनेट की जो कवच बना वो बनने के बाद जो है वो इनके इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रही थी।
फोर चैम्बर डार्ट से भी इसका कोई लेना देना नहीं था। ये क्या था, थिक सेल्ड एग्स जो बन गए थे उसके कारण वो पूरी तरीके से टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए अडेप्टिव हो गए थे। क्लियर, फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा 71। ए पॉपुलेशन एग्जिबिटिंग हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम पोजेस रेसेसिव ट्रेट इन 25% इंडिविजुअल्स, फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील इन जीन पूल ऑफ सेम। क्या दे रखा है, रेसेसिव एलील का मतलब जो है वो क्यू स्क्वायर, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 25%। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 25% इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। 25% इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो क्यू की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 का मतलब जो है वो क्या हो गया, 5। और अकॉर्डिंग टू आरडी विनबर्ग लॉ जो है वो 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0.5 जो है वो इसकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी हो गई। तो क्यू की एलीलिक फ्रीक्वेंसी या रेसेसिव एलील की जो है वो फ्रीक्वेंसी जीन पूल में जो है वो कितनी है, 0.5 जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा, फर्स्ट आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 72। द जुरेसिक पीरियड बिलोंग्स टू एरा, जुरेसिक पीरियड कौन से एरा के अंदर आया था, मीसोजोइक एरा के अंदर आया था, जिस टाइम रेप्टाइल्स जो है वो अर्थ पर सबसे ज्यादा डोमिनेंट थे। और उसमें भी जुरेसिक पीरियड कौन सा था, जब रेप्टाइल्स के अंदर भी डायनोसोर्स जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो अर्थ को अपना अंडर में टेक ओवर कर रखा था, उस टाइम का जो पीरियड था वो था जुरेसिक पीरियड। जो कौन से एरा का पीरियड था, मीसोजोइक एरा का पीरियड था। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा, थर्ड आंसर इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट, ए फ्लाइंग रेप्टाइल वाज, इनमें से फ्लाइंग रेप्टाइल्स कौन सा था, टेरेनोडोन, इक्थियोसोर्स, ब्रेकियोसोर्स और टायरेनोसोर्स। कौन सा था, टेरेनोडोन जो था वो इसमें फ्लाइंग रेप्टाइल्स था। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, टेरेनोडोन जो है वो फ्लाइंग रेप्टाइल्स है इनमें। उसके बाद 74, इवोल्यूशन ऑफ यूनिक ग्रुप ऑफ मैमल्स इन साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया इज एन एविडेंस फॉर। साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो मैमल्स का या स्तनियों के अनोखे समूह का विकास होना, स्तनधारियों के जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो स्पीशीज का इवोल्व होना, वो किसका प्रमाण था, इज एन एविडेंस फॉर, किस चीज का प्रमाण रहा है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होने के कारण या महाद्वीपीय विचलन होने के कारण कुछ कॉन्टिनेंट है वो एक दूसरे के साथ मिल गए, और कुछ कॉन्टिनेंट के अंदर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण वो दूसरे कॉन्टिनेंट से सेपरेट हो गए। जैसे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, उसमें ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की खूब सारी नई नई स्पीशीज इवोल्व हो गई थी। उसका क्या कारण था कि उसमें किसी दूसरे तरह के मैमल्स के साथ उनका कॉम्पिटिशन नहीं रहा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सबसे अलग थलग हो गया था। दूसरा, इनके अंदर जो है वो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये दोनों पहले एक साथ थे, ये सॉरी सेपरेट थे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण दोनों के बीच क्या हो गया, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ गए, जिससे दोनों एक दूसरे पर आने जाने लग गए, और नॉर्थ अमेरिकन फौना जो है वो साउथ अमेरिका पर डोमिनेंट होता गया, और खूब सारी उसकी नई नई स्पीशीज वहाँ पे इवोल्व होती गई। किस कारण से हुआ, ये सब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण हुआ है। एनसीईआरटी में जो है वो लास्ट में ब्रीफ अकाउंट ऑन इवोल्यूशन में दे रखा है। क्लियर यहाँ तक, थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। उसके बाद नेक्स्ट है 75, द थ्योरी ऑफ यूज एंड इश्यूज ऑफ ऑर्गन्स वाज गिवन बाई, किसने दिया था ये, फ्रेंच नेचुरलिस्ट लेमार्क आफ्टर डार्विन, गलत है, डार्विन से पहले दिया था, तो फ्रेंच नेचुरलिस्ट लेमार्क बिफोर डार्विन, डार्विन से पहले दिया था। बात ये दोनों सेम है, एक ही साइंटिस्ट है, लेकिन इसने बताया आफ्टर डार्विन, इसने इसमें बता रखा बिफोर डार्विन, तो हमेशा क्या करेक्ट था, बिफोर डार्विन, डार्विन से पहले जो है वो ये बताया गया था, इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो सेकंड होगा। तो ये इनमें हो गया ब्रिटिश इवोल्यूशनिस्ट, ये गलत है, ह्यूगो डी ब्रिस, और ये भी गलत हो गया, हिकल ने भी नहीं दिया था। क्लियर, तो करेक्ट आंसर सेकंड होगा। उसके बाद देखें 76, इंडियन ट्रेडिशन ऑफ बोरिंग ईयर्स एंड नोस्टल्स, इंडिया में महिलाओं में नोस्टल्स, नेजल चैम्बर को, और उसके साथ साथ जो है वो नोज को, और एक जो है वो ईयर्स को जो है वो पेनिट्रेट या बोरिंग करने की, पियर्सिंग की जो है ट्रेडिशन, ये बरसों से चली आ रही है। उसके बाद तो
नई जनरेशन के अंदर अकॉर्डिंग टू लेमार्क नई जनरेशन के अंदर जो है वो इसको पियर्सिंग की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। अगली जनरेशन पहले से ही जो है वो बोरिंग ईयर और जो है वो नोज वाली होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता तो ये किस चीज़ को वो करती हैं, सपोर्ट्स डार्विनिज्म गलत है, सपोर्ट लेमार्किज्म, लेमार्क को सपोर्ट नहीं कर रही, डिसप्रूव कर रही है इसको, डिसप्रूव लेमार्किज्म, डिसप्रूव डार्विनिज्म, डिसप्रूव लेमार्किज्म, लेमार्क की थ्योरी को ये डिसप्रूव कर रही है कि अगर ये एक्वायर्ड कैरेक्टर हो गया है तो अगली जनरेशन में उसकी इनहेरिटेंस अपने आप ही होती रहनी चाहिए। क्लियर यहाँ तक? तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा, थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। अकॉर्डिंग टू लेमार्किज्म लॉन्ग नेक्ड जिराफ इवोल्व बिकॉज, लॉन्ग नेक्ड जिराफ जो है वो इवोल्व हुआ क्योंकि नेचर सेलेक्टेड ओनली लॉन्ग नेक जिराफ, इनकरेक्ट। शॉर्ट नेक सडनली चेंज इनटू लॉन्ग नेक, ये भी इनकरेक्ट है, अचानक से कोई चेंजेस नहीं आया। स्ट्रेचिंग ऑफ नेक ओवर सक्सीडिंग जनरेशन बाय शॉर्ट नेक वंस, तो सक्सीडिंग जनरेशन में बार बार जो है वो इसमें अपनी गर्दन को स्ट्रेच करने लग गया ऊंची घास, उसको जो है वो पेड़ों की टहनियों को खाने के लिए, ट्री ब्रांचेस को खाने के लिए, पत्तियों को खाने के लिए, जब अपनी नेक को स्ट्रेच करने लग गया, बार बार में तनाव लगाने लग गया, तब उसकी नेक जो है वो इलोंगेट हो गई थी। क्लियर यहाँ तक? तो करेक्ट आंसर जो है वो इसका थर्ड हो जाएगा, ह्यूमन प्रीफर्ड ओनली लॉन्ग नेक, ये भी इनकरेक्ट है। थर्ड आंसर जो है वो इसका करेक्ट हो गया कि उसकी जिराफ की लंबी गर्दन होने का कारण क्या रहा था, बार बार जो है वो उसको नेक को स्ट्रेच करने के कारण जो है वो क्या हुआ, अगली जनरेशन में धीरे धीरे जो है वो उसकी नेक लंबी होती गई। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इनमें से कौन सा डार्विन की थ्योरी का पार्ट नहीं है, तो डार्विनियन इवोल्यूशन की थ्योरी का पार्ट कौन सा नहीं है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ब्रांचिंग डिसेंट। ये तो सब नेचुरल सिलेक्शन और ब्रांचिंग डिसेंट तो उसके की कॉन्सेप्ट थे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी उन्होंने बताया था कि जो फिट होता है पूरी तरीके से वो ही सर्वाइव करता है, कौन सा पार्ट नहीं था, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो उसका पार्ट नहीं था। जेनेटिक ड्रिफ्ट का क्या जो है वो क्या था, यह हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करने वाला फैक्टर्स था। क्लियर यहाँ तक? तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है इसके लिए। उसके लिए नेक्स्ट 79, व्हेन ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एंड इंक्रीज द नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन इट, जब जीव जीवित बचे रहते हैं तथा अगली पीढ़ी में संख्या बढ़ाते हैं तो निम्न में से किसको समझाता है, तो ये व्हेन ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एंड इंक्रीज द नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन, सर्वाइव कर जाते हैं और अगली जनरेशन में जो है वो नंबर्स को इंक्रीज करते हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन इट, तो इनमें से कौन सा उसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो कौन सा एक्सप्लेन करेगा इसको, जीन फ्लो, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, कौन सा करेगा, नेचुरल सिलेक्शन जो है वो इसको एक्सप्लेन करेगा कि अगली जनरेशन में जो है वो नंबर्स को इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, नंबर्स को इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब नेचर ने उसको सेलेक्ट किया, और नेचर ने जब उसको सेलेक्ट किया है इसका मतलब नेचर से सेलेक्टेड है, तो वो क्या है, रिप्रोडक्टिवली जो है वो फिटनेस उसमें बनी हुई है और वो अपनी मोर प्रोजेनी को प्रोड्यूस करेगा जिससे उसकी नंबर्स अगली जनरेशन टू जनरेशन बढ़ती जाएगी। क्लियर यहाँ तक? ये इसके अंदर जो है वो फोर्थ आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, नेचुरल सिलेक्शन। क्लियर? तो इसमें फोर्थ आंसर हो जाएगा नेचुरल सिलेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, इन विच कंडीशन द जीन रेशियो रिमेंस कॉन्स्टेंट फॉर एनी स्पीशीज, किसी भी स्पीशीज के लिए जीन रेशियो जो है वो कंटिन्यू कॉन्स्टेंट बना रहता है, इन विच कंडीशंस, कौन सी कंडीशन में, म्यूटेशन, म्यूटेशन होगा तो जीन पूल चेंज होगा, जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन, अगर जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन भी होता है एक पॉपुलेशन से यहाँ से बाहर निकल के जाए या उसके अंदर इमाइग्रेशन हो जाए तो उस कंडीशन में भी जीन पूल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस एंड नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन जो है वो भी क्या करेगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन है वो भी इसको चेंज कर देगा, रैंडम मेटिंग के कारण जो है वो चेंज नहीं होता है, रैंडम मेटिंग की कंडीशन में हमेशा जो है वो क्या होगा, जीन पूल कॉन्स्टेंट बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, टोटल जीन्स एंड देयर एलील्स इन ए पॉपुलेशन,
किसी भी पॉपुलेशन में टोटल जीन और उनके एलील्स के टोटल नंबर्स को जो है वो क्या कहेंगे, जीन पूल। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ये सीधा सीधा जो है वो आपको इसमें आंसर ही देखना है क्या होता है, टोटल जीन्स और उनके एलील्स के नंबर्स को क्या कहेंगे, जीन पूल कहेंगे, फर्स्ट आंसर करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, एट ए पर्टिकुलर लोकस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एलील इज 0.8 एंड दैट ऑफ स्मॉल ए एलील इज 0.2, व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटरोजाइगोट्स इन ए रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन एट जेनेटिक इक्विलिब्रियम। तो वहाँ रैंडम मेटिंग अगर हो रही है तो हेटरोजाइगट्स की जो है वो फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। तो इसमें देखिए जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो पी की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 0.8, कैपिटल ए है ना, तो कैपिटल ए का मतलब डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी है वो दे रखी है 0.8 और रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 0.2। क्या निकालना है, हेटरोजाइगोट्स इन ए रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन एट जेनेटिक इक्विलिब्रियम। तो हेटरोजाइगस का मतलब जो है वो क्या होगा, 2PQ, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, 2PQ की वैल्यू निकालोगे तो 2 इंटू 0.8 इंटू 0.2, ये इसमें जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी लेंगे तो 0.2 इंटू 0.8 इंटू 0.2, तो ये कितने आ जाएंगे, 0.32 आ जाएगा, ठीक है, 16 × 32 0.32, तो 0.32 करेक्ट आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, थर्ड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक, तो करेक्ट आंसर थर्ड हो गया। उसके बाद जो है वो इसमें नेक्स्ट लें, डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या होगा, डायरेक्शनल सिलेक्शन वर्क्स अगेंस्ट एडेप्टिव ट्रेट्स, फेवर्स इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ ट्रेट। एडेप्टिव ट्रेट्स के अगेंस्ट होने का मतलब क्या है, डायरेक्शनल सिलेक्शन नहीं हो, इंटरमीडिएट फॉर्म्स है उसको फेवर कर रहा है, इसका मतलब वो स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन है। एलिमिनेट्स अनकॉमन फॉर्म ऑफ एलील्स, ये भी डायरेक्शनल सिलेक्शन नहीं है, शिफ्ट एलील फ्रीक्वेंसीज इन ए स्टेडी कॉन्स्टेंट कंसिस्टेंट डायरेक्शन। इसका मतलब जैसे मान लो इनके अंदर जो है वो एक ग्राफ आपने पढ़े होंगे भाई तीनों टाइप के, पहला एक ग्राफ जो है वो स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन है जहाँ मीन वैल्यू कैरेक्टर है वो सिलेक्ट होते हैं और पीक लेवल पे होते हैं, दूसरे में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है वो अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं, वेरिएशंस आ रहे हैं उस डायरेक्शन में पीक जो है वो शिफ्ट होता है तो क्या कहेंगे इसको, डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो डायरेक्शनल सिलेक्शन पूछा है तो शिफ्ट एलील फ्रीक्वेंसीज इन ए स्टेडी कंसिस्टेंट डायरेक्शन, तो स्टेडी कंसिस्टेंट डायरेक्शन की तरफ जो है वो अगर शिफ्ट हो रही है एलील फ्रीक्वेंसी तब हम उसको कहेंगे डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए इसका, फोर्थ आंसर जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा, एक सतत लगातार दिशा में युग्म विकल्पियों की आवृत्ति का स्थानांतरण होता है। क्लियर आ तक, तो ये डायरेक्शनल सिलेक्शन के लिए इस तरह का ग्राफ बनता है, इसका मतलब फोर्थ आंसर इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 84, डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन जो है वो क्या होगा, फेवर्स इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ ट्रेट, तीन तरह के जो है वो सिलेक्शन दे रखे हैं, नेचुरल सिलेक्शन, स्टेबिलाइजिंग, डायरेक्शनल सिलेक्शन और डिसरप्टिव सिलेक्शन। फेवर्स इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ ट्रेट नहीं होगा, स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन है ये। शिफ्ट एलील फ्रीक्वेंसीज इन ए स्टेडीज कंसिस्टेंट डायरेक्शन, ये भी इनकरेक्ट है, ये डायरेक्शनल सिलेक्शन है। एलिमिनेट्स अनकॉमन फॉर्म ऑफ एलील्स, डज नॉट फेवर इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ ए ट्रेट। तो ये करेक्ट आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, फोर्थ हो जाएगा, डज नॉट फेवर इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ ट्रेट, इंटरमीडिएट फॉर्म को या मीन वैल्यू कैरेक्टर को जो है वो सेलेक्ट नहीं करता, उसको फेवर नहीं करता। एलिमिनेट अनकॉमन फॉर्म ऑफ एलील्स, अनकॉमन फॉर्म एलील्स को भी युग्म विकल्पियों के सामान्य रूप को भी हटाता भी नहीं है, लेकिन क्या कर रहा है इनमें पीक जो है वो कितने बन जाएंगे, इनमें दो तरह के पीक जो है वो इसमें बन जाएंगे इस टाइप से, तो दो तरह के पीक बन जाएंगे, तो ये क्या होता है इनमें डिसरप्टिव सिलेक्शन हो जाता है जिसमें इंटरमीडिएट को जो है वो फेवर नहीं करता। क्लियर आ तक, तो इंटरमीडिएट को फेवर नहीं करता। दो अलग अलग टाइप के पीक जो है वो कब बनेंगे, जब एक पॉपुलेशन किसी दो सब पॉपुलेशन के अंदर डिवाइड हो जाती हो तब दो तरह के पीक लेवल इसमें बन जाएंगे, वो होता है डिसरप्टिव सिलेक्शन। क्लियर आ तक, तो सब पॉपुलेशन की फॉर्म में जो है वो इसमें दिखेंगे, तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद आप देखें 85 द फिनोमेना ऑफ इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म डेमोन्स्ट्रेट्स इंड्यूस्ड म्यूटेशन ज्योग्राफिकल आइसोलेशन नेचुरल सिलेक्शन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. क्या होगा? नेचुरल सिलेक्शन है. तो ये इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म जो है वो अपने आप में किसका एग्जाम्पल हो गया? नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल होता है. क्लियर? तो थर्ड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो गया. उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 86 अरेंज द पीरियड्स ऑफ पैलियोजोइक एरा इन असेंडिंग ऑर्डर इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल. तो इनके अंदर जो है वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग जो है वो इसको क्या बताएंगे? सिल्यूरियन डिवोनियन कार्बनीफेरस परमियन. सिल्यूरियन कार्बनीफेरस डिवोनियन परमियन कार्बनीफेरस परमियन ट्राइसिक जुरेसिक डिवोनियन सिल्यूरियन परमियन कार्बनीफेरस. तो करेक्ट सिक्वेंस क्या रहेगी? करेक्ट सिक्वेंस क्या रहेगी इसमें? सिल्यूरियन, उसके बाद डिवोनियन पीरियड आता है, फिर कार्बनीफेरस पीरियड आता है, उसके बाद परमियन पीरियड आता है. तो ये इनके अंदर जो है वो फर्स्ट ही सिक्वेंस जो है वो करेक्ट हो जाएगी इसकी. सिल्यूरियन डिवोनियन कार्बनीफेरस और परमियन पीरियड. तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका. उसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव ट्रेट इज 16% द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील इज हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम. तो प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव ट्रेट इज 16% द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील. रिसेसिव ट्रेट की जो दे रखी है वो फ्रीक्वेंसी दे रखी है 16%. तो रिसेसिव एलील की 16% है. अब आपको इसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या निकालनी है? डोमिनेंट की निकालनी है. तो रिसेसिव एलील का मतलब जो है वो क्यू स्क्वायर की दे रखी है फ्रीक्वेंसी 16%. क्यू की फ्रीक्वेंसी 16% का मतलब 16 बाई जो है वो क्या जाएगा? 16/100. तो 16% का मतलब 16/100. तो 16/100 का मतलब हो जाएगा इसमें, या इसमें डायरेक्ट ही निकाल लो, इसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी क्यू स्क्वायर दे रखा है वो 16 दे रखा है. क्यू की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी? √16. तो √16 आएगी, तो इसका वैल्यू जो है वो 4 होगी. 4 का मतलब जो है वो कैसे शो करेंगे इसको? 0.4. तो ये 0.4 होगी. अब उसके हिसाब से जो है वो आपको क्या निकालनी है? पी की फ्रीक्वेंसी लेनी है. तो 1 - 0.4 इज इक्वल टू 0.6 हो जाएगी. तो 0.6 जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 में देखिए मैच द साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ इवोल्यूशन. चार्ल्स डार्विन का ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, लेमार्क यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स डिसयूज थ्योरी, ह्यूगो डी व्रीज म्यूटेशन थ्योरी, अनस्टिकल ये एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन. तो इसमें आप देखिए क्या रहा? चार्ल्स डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज सेकंड, उसके बाद थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ. सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ. सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फर्स्ट. तो पहला सेकंड, फिर थर्ड, उसके बाद फर्स्ट और फोर्थ. सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 89 इसमें देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट प्रिमिटिव एंसेस्टर ऑफ मैन. इनमें से मैन का मोस्ट प्रिमिटिव एंसेस्टर होमो हैबिलिस ऑस्ट्रेलोपिथेकस रामापिथेकस होमो नियंडरथेलेंसिस. तो कौन सा रहा है? सबसे पहला एंसेस्टर जो है वो रामापिथेकस था, जो एक ऐप था. तो रामापिथेकस डायोपिथेकस से जो एप मैन आया ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उससे होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस से होमो इरेक्टस, उसके बाद होमो सेपियंस. तो इनमें क्या दिया हुआ? मोस्ट प्रिमिटिव एंसेस्टर जो है वो कौन सा था? तो रामापिथेकस जो है वो मोस्ट प्रिमिटिव एंसेस्टर्स रहा. क्लियर? करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा इसका. उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 90 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट टू मॉडर्न मैन. मॉडर्न मैन का नियरेस्ट जो है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, नियंडरथल मैन, होमो इरेक्टस. तो मॉडर्न मैन जो है वो होमो सेपियंस सेपियंस, इसका नियरेस्ट जो है वो कौन सा रहा है? नियंडरथल मैन रहा है. तो थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा. उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 91 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिमिटिव मैन यूज्ड हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड दे आर डेड.
कौन सा मानव जो है आदि मानव शरीर की रक्षा के लिए खालों का इस्तेमाल करता और मृतकों को जमीन में गाड़ते थे? नियंडरथल मैन जो है वो मृतकों को जमीन में गाड़ते थे, बरियल सेरेमनी भी करते थे और उसके साथ साथ जानवरों की खाल से अपने शरीर को ढकते थे। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या रहेगा, इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 92, अमंग द ह्यूमंस ह्यूमन एंसेस्टर्स द ब्रेन साइज वॉज लेस देन 1000 cc। तो 1000 cc से कम जो है वो इनमें से किन की थी? होमो हैबिलिस की जो है वो 600 to 800 cc, होमो नियंडरथेलेंसिस की ज़्यादा थी 1400 cc थी। तो ये इनकरेक्ट हो गया। होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस ये दोनों जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। होमो हैबिलिस की जो थी वो 600 to 800 cc और होमो इरेक्टस की 900 cc थी। ये करेक्ट है। होमो इरेक्टस और नियंडरथेलेंसिस ये भी इनकरेक्ट हो गया, इसमें नियंडरथेलेंसिस आ रहा है, ये इनकरेक्ट हो गया। तो सेकंड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा जिसमें 1000 cc से कम क्रेनियल कैपेसिटी थी। क्लियर। उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 93, सेलेक्ट आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेनले मिलर्स एक्सपेरिमेंट। स्टेनले मिलर के एक्सपेरिमेंट के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है उसको आइडेंटिफाई करना है आपको। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन ए ओपन फ्लास्क कंटेनिंग CH4 हाइड्रोजन अमोनिया एंड वाटर वेपर। तो इनकरेक्ट हो गया, ओपन फ्लास्क दे रखा है जबकि कैसा होना चाहिए था, क्लोज फ्लास्क के अंदर जो है वो इनको लिया था। तो पहला स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है। एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड एट 800 degree cc, ये करेक्ट है। उसके बाद ही ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड्स इन लिक्विड वाटर इन ट्रेप, ये भी करेक्ट है। दिस एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन ऑफ ऑपेरिन थ्योरी, ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट जो है वो कौन सा है, ओपन फ्लास्क के कारण जो है वो इनकरेक्ट हो गया, क्लोज फ्लास्क लिया था इसने। क्लियर यहाँ तक? तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। उसके बाद देखें 94, सेलेक्ट आउट इनकरेक्ट वन विद रेस्पेक्ट टू इवोल्यूशन बाई नेचुरल सिलेक्शन। प्रीडेटर्स कुड स्पॉट ए मोथ अगेंस्ट ए कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड। प्रीडेटर्स कुड स्पॉट पहचान सकते थे, पर बक्षी विपरीत पृष्ठभूमि में सलभ को पहचान पाते थे, करेक्ट है। ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन ट्री ट्रंक्स बिकेम डार्क ड्यू टू इंडस्ट्रियल स्मोक एंड सूट, उसके कारण जो है वो डार्क हो गए, ये भी करेक्ट है। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाइट कलर्ड मोथ वर पिक्ड आउट बाई प्रीडेटर्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले वाइट कलर के जो मोथ थे वो प्रीडेटर पक्षियों से जो है वो पहचान में आ जाते थे। तो औद्योगिकरण से पहले श्वेत रंग के सलभ पर पक्षियों द्वारा चुन लिए जाते थे। इन रूरल एरियाज द काउंट ऑफ मेलेनिक मोथ वाज लो। रूरल एरिया में मेलेनिक मोथ की संख्या कम थी, ये भी करेक्ट है। ये इसमें इनकरेक्ट था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो है वो प्रीडेटर पक्षियों के द्वारा जो है वो श्वेत रंग के सलभों को नहीं, श्वेत रंग के सलभों को जो है वो सेलेक्ट करके ख़त्म नहीं किया जाता था। कौन से सलभ को चुनते थे, काले रंग के सलभ को पहचान लेते थे, क्योंकि ब्लैक मोथ जो थे वो कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड के कारण पहचान में आ जाते थे, लेकिन वाइट मोथ जो थे वो सेम बैकग्राउंड के कारण जो है वो आइडेंटिफाई नहीं होते थे, जिससे अपने आप को बचा लेते थे। क्लियर यहाँ तक? तो थर्ड जो है वो इसमें इसके लिए इनकरेक्ट होगा, बाकी सारे जो है वो करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 95, कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स, स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग फैलेंजर, बॉबकेट, तस्मानिया वोल्फ, न्यूम्बेट, मोल, लीमर, हाउ मैनी ऑफ दीज मैमल्स आर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। इनमें ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स जो है वो कौन कौन से थे, स्पॉटेड कस्कस ये इनके अंदर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, फ्लाइंग फैलेंजर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, इसके अलावा तस्मानिया वोल्फ, बॉबकेट जो थी वो प्लेसेंटल मैमल्स थी, उसके बाद न्यूम्बेट ये प्लेसेंटल मैमल ये इसमें वो थी, मोल और लीमर जो है वो ये दोनों ये प्लेसेंटल मैमल्स, और ये न्यूम्बेट जो थी वो भी जो है वो क्या थी, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स थे। बॉबकेट प्लेसेंटल मैमल्स, मोल प्लेसेंटल मैमल्स, लीमर ये प्लेसेंटल मैमल्स, बाकी ये जो थे वो कैसे थे, वो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स थे। तो इनके अंदर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में कितने थे, 4 जो है वो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स थे,
करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 96, ए ह्यूमन पॉपुलेशन कंटेनिंग 200 इंडिविजुअल्स हैज टू एलील्स एट द कैपिटल टी लोकस नेम्ड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी विच प्रोड्यूसेस टॉल इंडिविजुअल इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। तो इनके अंदर जो है वो देखिए कैपिटल टी ये थे कितने, कैपिटल टी जो है इसके नंबर्स 90, ये 90 थे, कैपिटल टी स्मॉल टी ये इंडिविजुअल कितने थे, 40 इंडिविजुअल थे, और स्मॉल टी वाले जो इंडिविजुअल थे वो 70 थे। ये हो गए इनमें। अब इनके अंदर जो है वो नंबर ऑफ एलील टी, नंबर ऑफ एलील टी एलील्स जो है इसके नंबर्स है वो कितने थे, एक तो कैपिटल टी होमोजाइगस कंडीशन में अगर देखें तो 90 इंटू टू 180, तो 90 इंटू टू 180 हो गए, और दूसरा जो है वो कैपिटल टी स्मॉल टी के अंदर 40 और हो गए होमोजाइगस कंडीशन में तो इतने हैं, और हेटरोजाइगस कंडीशन जो थी कैपिटल टी स्मॉल टी इसमें कितने हैं, 40 और हो गए, कितने हो गए 220। क्लियर आ तक, स्मॉल टी के नंबर्स है वो कितने थे, नंबर ऑफ स्मॉल टी एलील, तो नंबर ऑफ स्मॉल टी एलील में एक तो आप देख रहे हो भाई ये इनके अंदर जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में 70, इसका मतलब 70 into 2 140, और एक हेटरोजाइगस कंडीशन में थे, हेटरोजाइगस कंडीशन में 40 हो रहे है, तो ये प्लस 40 तो क्या जाएंगे 180 हो गए, तो ये 180 हो गए, ये 220 है, तो कैपिटल टी की जो फ्रीक्वेंसी लेंगे तो 220 अपॉन कितने में से, टोटल 200 इंडिविजुअल है इसका मतलब नंबर ऑफ एलील्स या जीन पूल कितना हो गया 400 हो गए, और इनटू 100 परसेंटेज में निकालेंगे तो इस तरीके से रेशियो ले लेंगे 100, और उसके हिसाब से जो है वो क्या जाएगा इसका रेशियो आ जाएगा 5. इसका रेशियो जो है वो ये 400 है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो रेशियो क्या जाएगा 5:5, समझ गए भी, तो ये इनके अंदर जो है वो इसका रेशियो आ जाएगा 55% को कैसे शो करेंगे 0.55, तो 0.55 हो गया, इसका रेशियो लोगे तो वो इसके अकॉर्डिंग जो है वो 180 अपॉन 400 इंटू 100, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या जाएगा इसमें, इसमें डायरेक्ट जो है वो लोगे तो कितना आ जाएगा 0.45 जो है वो इसका आ जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो ये आ जाएगा 0.45, तो कैपिटल टी जो है वो क्या आ जाएगा 0.55, और स्मॉल टी आ जाएगा 0.45। क्लियर, तो करेक्ट आंसर जो है वो इसका सेकंड हो जाएगा। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 97 है द ओरिजिन ऑफ मैमल्स फ्रॉम, मैमल्स की ओरिजिन जो है वो किन से हुई है, थेकोडोंट्स डायनासोर सोरोपसिड थेरेपसिड्स, किससे हुई है, थेरेपसिड्स से जो है वो मैमल्स का इवोल्यूशन हुआ है। क्लियर, उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 98 मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स, इनमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो इसमें देखना है। मीसोजोई कैरा किसके लिए होता है, मीसोजोई कैरा एज ऑफ फिशेज प्रोलीफरेशन ऑफ रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के प्रोलीफरेशन के लिए, डिवोनियन एज ऑफ फिशेज, कार्बनीफेरस एज ऑफ जाइंट रेप्टाइल्स, सीनोजोइक एज ऑफ मैमल्स, ये इनके अंदर मीसोजोई कैरा में प्रोलीफरेशन ऑफ रेप्टाइल्स और एक्सटिंक्शन ऑफ डायनोसोर्स भी है वो लास्ट में इन्हीं के अंदर हुआ था, तो डायनोसोर्स का एक्सटिंक्शन भी मीसोजोइक में हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो ए के साथ या तो सेकंड या फोर्थ, तो सेकंड ये आ रहा है, बी के साथ, डिवोनियन के साथ फर्स्ट,
तो ये आ रहा है, ये मैच नहीं कर रहा, फोर्थ के साथ जो है वो मैच कराओ, फोर्थ फिर फर्स्ट, डिवोनियन के साथ फर्स्ट, कार्बनीफेरस के साथ थर्ड और सिनोजोइक के साथ फिफ्थ, सेकंड ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर आ तक समझ में आ गया ना? मीसोजोइक एरा में रेप्टाइल्स बहुत ज़्यादा नंबर्स में डेवलप भी हुए थे और उसके साथ साथ डायनोसोर्स जो रेप्टाइल्स थे वो एक्सटिंक्ट भी हुए थे। क्लियर? तो करेक्ट आंसर जो है वो उसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा, सेकेंड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद है 99, एन एग्जाम्पल रिप्रेजेंट एनालोगस ऑर्गेन्स अमंग द फॉलोइंग इज, एनालोगस ऑर्गेन्स कौन से होंगे, फोर लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स होमोलोगस ऑर्गेन्स है, हेड ऑफ वर्टिब्रेट्स होमोलोगस ऑर्गेन्स, लेग्स एंड माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट होमोलोगस ऑर्गेन्स, ट्रेकिया ऑफ एन इंसेक्ट एंड लंग्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, ये एनालोगस ऑर्गेन्स, जहाँ ओरिजन डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है। तो ओरिजन डिफरेंट फंक्शन सेम हो तो क्या कहेंगे उसको, एनालोगस ऑर्गेन्स। और यहाँ आपको देखना क्या है, एनालोगस ऑर्गेन्स आइडेंटिफाई करना है, तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। इंसेक्ट में ट्रेकिया रेस्पिरेशन करेंगे और वर्टिब्रेट में लंग्स रेस्पिरेशन का काम करेंगे। क्लियर यहाँ तक? फंक्शन सेम है, ओरिजिन डिफरेंट है, तो करेक्ट आंसर फोर्थ हो गया। उसके बाद आप देखें लास्ट क्वेश्चन नंबर 100, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द रेंज ऑफ वेरिएशन अमंग पॉपुलेशन मेंबर्स फॉर ए ट्रेट डिटरमाइंड बाय द मल्टीपल जीन्स, इफ दिस पॉपुलेशन इज सब्जेक्ट टू स्टेबिलाइजिंग सेलेक्शन फॉर सेवरल जनरेशन विच ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ए टू डी इज मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट। अगर क्या दे रखा है इसमें कि ये जो है वो समष्टि कई पीढ़ियों तक स्थायी कारक चयन करते हैं, स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन करती है, तो इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो इसको सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन के लिए इनमें से कौन सा ग्राफ होता है, पहला ग्राफ जो है वो स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन के लिए होता है, जहाँ मीन वैल्यू कैरेक्टर जो होते हैं, मीन कैरेक्टर वैल्यू है उसको नेचर द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। तो मीन कैरेक्टर वैल्यू जो है उसका सिलेक्शन होता है, जिससे वो पीक लेवल पे होती है और बाकी जो है वो क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो ये स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन है, फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? समझ में आ गया, उम्मीद है अच्छा पेपर हुआ होगा और बढ़िया समझ में आ गया होगा। क्लियर यहाँ तक? ओके, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा, टीम सीएलसी। आज हम लोग बात करेंगे एल्कोहल फिनॉल ईथर की, ठीक है? तो एल्कोहल फिनॉल ईथर का पहला क्वेश्चन, बात करते हैं सीधे, कंसंट्रेट H2SO4 दे रखा है, एल्कोहल दे रखा है, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन NCERT में है, उसी की बात यहां हो रही है। H+ ले जाएंगे कहां पे, यहां क्या हो गया, OH2+। बोलिए सही है? अब यहां से क्या निकल जाएगा, H2O, तो ये बन गया कुछ ऐसा, ठीक है? क्रॉस रेजोनेंस है, किसमें ले गए, सिंपल में। बोलो बेटा, अब यहां क्या है, पांच की रिंग से कार्बोकैटायन, चार और पांच की रिंग से कार्बोकैटायन अटैच होगा बेटा, तो क्या होगा, रिंग खुलेगी माइनस और ये प्लस, किसमें बन गया, छह की रिंग ये है, यहां कुछ आ गया प्लस चार्ज, अब यहां पे माइनस H+ कर दिया, देखना बेटा, बोलो, तो इसमें आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट आंसर कौन सा हुआ, फर्स्ट, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सीधी सीधी NCERT की बात, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस थोड़ी सी बात करेंगे, विलियमसन सिंथेसिस कौन सी रिएक्शन है, SN2, ये भी सीधे आ सकता है, वैसे यहां पे है CH3, यहां बात कर लेते हैं पहले, ये क्वेश्चन था कौन सा, सेकंड, ठीक है? हाँ, विलियमसन सिंथेसिस की पहले बात करेंगे,
CH3, CH2, ONA और प्लस CH3, CH2, Cl, माइनस और ये प्लस, माइनस और ये प्लस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा? बैक साइड से। बैक साइड से अटैक होगा तो कौन सी रिएक्शन होगी? SN2। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे सीधे पूछा है तो यहां से क्या निकाल दिया, NaCl और बन गया क्या, CH3 CH2 OCH3। इस चीज में क्या ध्यान रखना है आपको, विलियमसन सिंथेसिस का अगर ऑर्डर पूछ ले तो आपको वही ऑर्डर लिखना है जो किसका है बेटा, SN2 का ऑर्डर है, उसी को लिखना है। ये पूछ सकता है ये रिएक्शन देके ये कौन सी रिएक्शन है, तो SN2 रिएक्शन है। ठीक है, चलें आगे। हर बात एनसीईआरटी, फिर देखो सीधी सीधी पिक्रिक एसिड एनसीईआरटी में है, फिनॉल है, ऑर्थोनाइट्रो है, पैरानाइट्रोफिनॉल है और 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल है। एसिडिक स्ट्रेंथ एनसीईआरटी के चार्ट का क्वेश्चन है, माइनस एम एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, क्या करेगा, माइनस एम एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। यहां कोई माइनस एम नहीं है, यहां माइनस एम 2, यहां माइनस एम 3, यहां माइनस एम 1। हमसे सीधी सीधी बात कही गई है कि कौन प्रबल अम्लीय होगा, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, मोस्ट एसिडिक है, तो कौन सा होगा बेटा, फोर्थ। ध्यान रखना, फिर वही बात, बॉस के स्लोगन, हम वो पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आता है, हम वो नहीं पढ़ाते जो हमें आता है। ये एनसीईआरटी की बात है, इसको आप करना है, आना वही है बेटा, फिर बात वही है, आना वही है, तो इसी को करना है अपने को, सिंपल सी बात। फिर एनसीईआरटी की लाइन, लाइन इसको जानबूझ के हमने दो बार दिया, एक बार हैलाइड के साथ, एक बार एल्कीन के साथ, बेंजीन की अभी दिख जाएगा आपको। खैर, ये है फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, यहां से सीएल निकाला, प्लस चार्ज 1 डिग्री किस में जाएगा, 2 डिग्री में, CH3 CH प्लस CH3, ये बन गया आपका क्यूमीन। फिनॉल बनाने का मेथड है, लेकिन आगे हमने डाइल्यूट एस्टियोसोफोर जानबूझ के नहीं दिया, कि बीच का स्टेप पूछ ले, बीच का स्टेप O2 CH3 CH3 OOH, इसी का नाम क्या है, क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड, इसी का नाम बेटा क्या है, क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा बेटा, फर्स्ट, बोलो क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं, OH, एनसीईआरटी का फिर क्वेश्चन, OH फिनॉल है और Na2Cr2O7, ठीक है, ऑक्सीडेशन एनसीईआरटी जब आप चलते, हम आंकड़ों से बात करेंगे, कहां पे है क्वेश्चन ये उसकी बात करेंगे, फिनॉल के केमिकल प्रॉपर्टी करते हुए चले जाइए, लास्ट जो रिएक्शन है फिनॉल का ऑक्सीडेशन है, और फिनॉल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, बेंजोक्विनोन, क्या बनेगा, बेंजोक्विनोन, ये ना, कौन सा आंसर हो जाएगा, ये बेंजोक्विनोन। हां, इसकी आगे कर दे, इसको एयर में खुला छोड़ दें तो कौन सा कलर आएगा, डार्क कलर, एनसीईआरटी ने लिखा है डार्क पिंक कलर आता है, ये लाइन भी ध्यान रखना, कहीं ऐसा दे दे कि एक कंपाउंड है जिसका ऑक्सीडेशन करने पर डार्क कलर आता है, एरोमेटिक कंपाउंड है, तो वो क्या हो जाएगा, फिनॉल। ये सब बातें ध्यान रखो, हम सब एनसीईआरटी की लाइनें बोल रहे हैं, इससे आपका डबल दूसरा क्वेश्चन अगर बनता तो ऐसे कुछ हो जाता। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, NaOHCO2 फिनॉल में दो एनसीईआरटी की बहुत ही फेमस रिएक्शन है, राइमर-टीमन रिएक्शन एंड कोलबे, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस नहीं है ये, कोलबे, कोलबे, तो इसमें CO2, यही एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है कि CO2 क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, ये रिएक्शन कौन सी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, पहले क्या होगा, पहला काम होगा कि OH NaOH के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बन जाएगा, ONA, फिर CO2 C डबल बॉन्ड O माइनस इस पर अटैक करेगा, माइनस और ये प्लस, इसने दिया ये इधर, तो यहां कुछ ऐसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड O CO O माइनस, ठीक है, ये H टॉटोमराइज हो जाएगा और फिर यहीं पे क्या चला जाएगा, H प्लस, तो यहां क्या बन जाएगा, OH और यहां क्या आ जाएगा, COH। ठीक है, इसके नाम से भी ध्यान रखना, इसका नाम बेटा क्या है, सैल्सिलिक एसिड, बहुत ही फेमस रिएक्शन है। अगर हाँ एक बात और, कोई चला के पूछे कि NaOH की जगह पे KOH यूज कर दें तो क्या होगा, तो पैरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मेजर बनेगा, लेकिन NaOH CO2 H प्लस नॉर्मल, अगर जो KOH आके भी सभी ऑर्थो पैसे दिया हो तो इसी को आंसर क्लिक करना, तो आंसर क्या हो गया, सेकेंड।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, डायमेटियम में भी आ जाएगी, सब आंकड़ों से बात होगी, सब एनसीईआरटी की बात है। एल्कोहल है H2SO4 443 केल्विन, देखो एल्कोहल H2SO4 443 केल्विन, देख रहे हो, देख रही है एनसीईआरटी में कहां है, एल्कोहल है एक 443 केल्विन है H2SO4 और एक क्या है 413 केल्विन, ठीक है 413 केल्विन। तो इसको हम बताएंगे क्यों कौन सा क्वेश्चन दिया गया है, तो सीधे उठ के क्वेश्चन आ जाएगा, तो यहां पे टेम्परेचर हाई है, यहां से क्या हो जाएगा डिहाइड्रेशन, H2O निकलेगा, ठीक है H2O निकलेगा, OH यहां से, H यहां से क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है चले आगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, एनसीईआरटी जहां पे एक थ्योरेटिकल मामला दे रखा है, इसको जेई मेन ने भी पूछ लिया कि किससे मेथेनॉल बनेगा, वाटर गैस सिन गैस, बोलो ध्यान आ गया, ये जेई मेन में आ चुका है, इसलिए हमने जानबूझकर और लाइन बोल दी कि कहीं हो सकता है, क्योंकि वही टीम बनाती है इसको, थोड़ा सा पेपर इजी करके बनाएगी, तो CO+ 2H2 पूरी फुल फ्लैश लाइन है एनसीईआरटी की, और ये क्या हो जाएगा मेथेनॉल, ठीक है ये क्या हो जाएगा मेथेनॉल, आपको आपको इसके नीचे है जिसमें एथेनॉल बनाया गया है उसको आपको देखना है पढ़ना है। CO+ H2 जो दे रखा है इसको क्या कहते हैं वाटर गैस, ऐसे दिया था कि मेथेनॉल उधर दे दिया था, इधर क्या है वाटर गैस या सिन गैस दे सकता है, ठीक है बेटा। बहुत लाइनों को देखो, ईथर में चार रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन सी चार, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन कंटिन्यूअस सिंथेसिस, HI के साथ रिएक्शन और ईथर की हाइड्रोलिसिस, तो ये दे दिया। इसमें हमने साफ साफ बात करी बड़े वाले का एल्कोहल छोटे वाले का आयोडाइड, लेकिन अगर O के साथ बेंजिल टर्सरी या उससे स्टेबल कार्बोकैटायन है तो ये रिएक्शन हो जाएगी SN1, और SN1 होगा तो क्या हो जाएगा आपका H+ I- यहां अटैक करेगा, तो यहां बन जाएगा CH2I+ फिनोल, तो आंसर ये एंड ये देन मतलब कौन सा आंसर हो गया थर्ड, समझ गए, यही रिएक्शन देके प्रोडक्ट देके पूछ ले कि SN1 है कि SN2, तो दिस इज SN1 रिएक्शन, ठीक है मजा आ रहा है। लाइन है एनसीईआरटी की ये क्वेश्चन, अब कहां पे है क्वेश्चन ही बताओ, जानते हो कहां पे है, आंकड़ों से बात करेंगे भाई, बाबू सुनो कहां है क्वेश्चन, इंटेक्स में जाओगे, इंटेक्स में 3-4 रिएक्शन है ईथर वाली, वहीं पे क्वेश्चन दे रखा है और ये IIT में भी आ चुका है। नेक्स्ट HIXS, एल्कोहल की HI के साथ रिएक्शन है ये, तो बात करें देखो इधर I सब जगह कहां लग गया I, तो CH2I CH I, ये क्वेश्चन कहां है मॉड्यूल में है अपने, और एल्कोहल की HI तो अपने NCERT में है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 I, फिर HI कर दोगे तो CH3 CH I CH2 I, I का आकार बड़ा है तुरंत I2 निकल जाएगा, क्या हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर HI, देख रहे हो मजा आ गया क्वेश्चन, CH3 CH I, और यहां क्या आएगा टू आयडोप्रोपेन, कहां पे है ये है फोर्थ, देख रहे हो फोर्थ है, HIXS भी दे रखा है अपना जितना यूज कर रहे डबल बॉन्ड पे होता ही है, ये भी NCERT में है, एल्कोहल दोनों को हमने शामिल करके यहां पे डाल दिया, ठीक है। ये देखो CH3 CL AL Cl3 मेजर प्रोडक्ट पूछा है, ठीक है फिडलक्राफ्ट रिएक्शन है, AlCl4- निकला, यहां पहले बात करते हैं आया ठीक, AlCl4- आया, क्या बन गया CH3+, OCH3 एक्टिवेटिंग सक्रियकारी ग्रुप है, तो कहां ले जाएगा ऑर्थो और पैरा पे, पैरा कहां पे है ये है, देख रहे हो ना पैरा यहां पे, बोलो भाई बाबू सब चीजें NCERT 3Br2 water, ये भी NCERT की लाइन, ये भी कहां कहां क्या है, एक Br2 CH2 है
याद करो, जिसमें ऑर्थोपैरा बनता है, और एक 3Br2 वाटर जिसमें 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, और जो इसका बताता है पीपीटी क्या बताता है, ये तो आंसर हो गया व्हाइट, ये भी ध्यान रखना। बोलो, फिनॉल की Br2 वाटर वाली रिएक्शन हो गई है, ठीक है। ये लाइन देखो, दो जगह इस लाइन को जिक्र है, और कुछ पुरानी एनसीईआरटी में इसका अल्कोहल फिनॉल इथर में आंसर गलत दे रखा है, लेकिन कार्बोनिल कंपाउंड में सही दे रखा है, इसलिए इसको दे दिया हमने। तो सुन लो, अल्कोहल बॉइलिंग पॉइंट देखने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर एसिड होता तब तो डाइमर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे अधिक, लेकिन यहां सिंपल एल्कोहल का टॉपिक था तो हमने जानबूझ के इसको लिया। तो यहां एन पेंटेन एथॉक्सी एथेन ब्यूटेनल सबसे अधिक क्या हो जाएगा, ये एल्कोहल के बाद क्या होता, एल्कोहल के बाद एल्डिहाइड हो जाता, फिर ईथर हो जाता, फिर एल्केन हो जाता। ये तो क्या दिया है, ऑर्डर। तो अगर ऑर्डर की बात करें तो 3, 4, 2, 1, ये एनसीईआरटी में ये दे रखा है ऑर्डर, हमने इसमें पूछ लिया किसमें मैक्सिमम है, तो एल्कोहल मैक्सिमम है क्योंकि इसमें क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देख लो, हमने आपसे जो बात कही कि इनमें ये जो चैप्टर लिखा है ना, सीधे लाइन टू लाइन उठ के आ जाएगा क्वेश्चन। बोलो, आज उसकी बात फिर ईथर की एचआई के साथ, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट, ट्विस्ट इन द सेंस थोड़ा सा इसमें SN1 SN2 E1 E2 दे रखा है। खैर, बड़े वाले का एल्कोहल, छोटे वाले का आयोडाइड। अब इसका एल्कोहल बन रहा है, मतलब देखो देखना देखना बेटा, बड़े वाले का एल्कोहल, छोटे वाले का आयोडाइड, मतलब H प्लस आई माइनस। अब I माइनस अटैक कर रहा है इधर से, बैक साइड से, तो ये CH3I हो गया, और इधर क्या हो गया CH3CH2OH, बैक साइड से अटैक हो रहा है, मतलब रिएक्शन बेटा कौन सी है SN2, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई SN2। प्रोडक्ट तो खुद ही लिख दिया, आपके में प्रोडक्ट भी आ सकता है। तो अगर नॉर्मल है, O के साथ बेंजिल टर्सरी या उससे स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं जुड़ा है, तो बड़े वाले का एल्कोहल, छोटे वाले का आयोडाइड, ठीक है। कौन फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन देता है, ये प्योर एनसीईआरटी पूरी, क्योंकि एल्कोहल फिनॉल ईथर था तो ईथर को हमने उठा लिया, नाइट्रोबेंजीन भी दे रखा है एनसीईआरटी में, बेंजोइक एसिड एलिनिन। हर चैप्टर के लास्ट वाला पैराग्राफ देखो, सब में बेंजोइक एसिड क्योंकि वी सक्रियकारी समूह है, एलिनिन नहीं देगा क्योंकि एलिनिन AlCl3 के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, नाइट्रोबेंजीन नहीं देगा क्योंकि एज ए सॉल्वेंट काम करता है, OCH3 इसकी फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन के साथ फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन कराई गई है। एनसीईआरटी देखोगे तो OCH3, क्योंकि भी क्वेश्चन भी दिया था CH3Cl के साथ, इसीलिए कि एनिसॉल फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन देता है, ठीक है। ऐसे क्लोरोबेंजीन भी फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन देता है। देखो MnO2, MnO2 बेस्ट किसके लिए होता है, एलाइलिक के लिए, बेस्ट किसके लिए होता है एलाइलिक के लिए, तो यहां क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसको टच नहीं करेगा, तो ये आंसर हो गया सेकेंड, MnO2 ऑक्सीडाइज एलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल, बेंजीन के ठीक बगल वाले कार्बन पर अगर OH हो तो उसका ऑक्सीडेशन कर देगा, ठीक है। HIO4, बहुत साल पहले AIPMT में इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, HIO4 हम बता रहे हैं ट्रिक, क्या बता रहे हैं ट्रिक, देखो CH2OH, CHOH, CHOH, CH2OH, HIO4, रुक जाओ, पहले HIO4 को क्या कहते हैं, पराइओडिक एसिड, माला पराडे रिएजेंट, तो क्या करेगा, इसको एक तरफ से ऑक्सीडाइज किया, ये किसमें चला गया एल्डिहाइड, इसको दोनों तरफ से हो गया, तो ये एसिड, एक तरफ दोनों तरफ एसिड, एक तरफ एल्डिहाइड, तो दो एल्डिहाइड HCHO और दो एसिड, लेकिन यहां एक ही मोल दे रखा है तो इसको कट किया, ये किसमें चला गया ट्वाइस HCHO, आंसर क्या हो गया 4, 17 का आंसर क्या हो गया 4, 18 CRO3,
एनसीईआरटी सुन लो, CRO3 PCC, ठीक है, ये तो एनसीईआरटी में है, PDC भी हो सकता है, NBS भी हो सकता है, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन, ठीक है। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, किसमें जाएगा, कीटोन में, क्या हो जाएगा ये, अगर यही CRO3H2SO4 तो भी 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में, लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल किसमें चला जाता, एसिड में, अगर CRO3H2SO4 दिया होता तो। बहुत ही शानदार, ये भी एनसीईआरटी में है, कहां है, सुनो, फिनॉल की सैल्सिलिक एसिड, अब यहां पे हमने तो प्योर एनसीईआरटी लिख दिया है, यहां पे एनहाइड्राइड हो, एस्टिल क्लोराइड हो, तो ये देखो ये अटैक करेगा क्या, ये OH, ठीक है, तो यहां पे बात कर लेते हैं, देखो इधर ऐसे है COOH, यहां क्या है OH प्लस, इसको खोल लो CH3CO CO CH3, ये माइनस ये प्लस, यहां चला जाएगा बेंजोइक एसिड OCO CH3, बोलो OCO CH3, यही क्या है, एस्प्रीन, यही क्या है बेटा, एस्प्रीन, ठीक है ना। एनसीईआरटी में कैसे लिखा है, OH इधर लिखा है, COH इधर लिखा है, बोलो एस्प्रीन किसमें यूज होता है, दर्द और बुखार दोनों में, सारी बातें प्योर हो रही काम। कौन सा ल्यूकोज टेस्ट सबसे तेज देगा, विच कंपाउंड गिव ल्यूकोज टेस्ट फास्टेस्ट, तो टर्सरी, अपन ने 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो अब देखो एनसीईआरटी इतना तो कर ही सकती है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और 3 डिग्री से स्टेबल जो भी होगा वो देगा, यहां 3 डिग्री वाला मामला दिया नहीं है, लेकिन याद करो, बोलो यहां जब एच प्लस निकालोगे तो लोन पेयर के बगल में पॉजिटिव, बीबी को अवॉइड नहीं कर सकते, बैक बॉन्डिंग, यहां 2 डिग्री, यहां 1 डिग्री, यहां 2 डिग्री, तो बैक बॉन्डिंग मोर स्टेबल, सबसे तेज दे देगा, ठीक है। बियर रिएजेंट, ये भी दे रखा है एनसीईआरटी में, बियर रिएजेंट 1% एल्कलाइन KNO4 इज नोन एज बियर रिएजेंट, 1% एल्कलाइन KNO4 इज नोन एज बियर रिएजेंट, क्या करता है ये, डबल बॉन्ड के अक्रॉस सिस डायोल बनाता है, ठीक है, मॉड्यूल में अपने एक OSO4 है जिसको हम आपको बता दे रहे हैं, मान लो आ जाए, वो भी क्या करता है, सेम सिस डायोल बनाता है, ट्रांस के लिए पर एसिड हाइड्रोसिस कर दो। 22 डिहाइड्रेशन का ऑर्डर पूछा, इसमें डिहाइड्रेशन का ऑर्डर प्रोडक्ट स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री लिखा है, ये बात गलत है, क्या होना चाहिए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री लिखा है, होना क्या चाहिए, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो ये हो गया गलत। इसमें देखो यहां से तो निकाल ही नहीं सकते, कई बार होता है लेकिन निकाल नहीं सकते, वो जगह कौन सी है, बेंजीन से सीएल नहीं निकाल सकते, बेंजीन से OH। एनसीईआरटी में क्या पूछा, क्यों इस लाइन को दिया है, किसका प्रोटोनेशन इजिली नहीं होगा, तो बेंजीन से OH है, ऐसे लिखा था उसमें एनसीईआरटी में, PHOH, इसका प्रोटोनेशन इजिली नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं है, यहां भी वही चीज, यहां पर भी गलत हो गया, लेकिन यहां देखो निकाला डबल बॉन्ड निकाला, और यहां से निकाल नहीं सकते, तो यही थर्ड वाला आंसर हो गया। बोलो बेटा 413 केल्विन दिया आपकी, कब इसको एनसीईआरटी ने जिक्र किया, अल्कोहल से ईथर बनाना, सुन लो पहले ध्यान से, अल्कोहल से ईथर, उसको कहते हैं विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस, विलियमसन सतत ईथर अभिक्रिया, विलियमसन अभिक्रिया अलग है, विलियमसन रिएक्शन अलग है, वो RCl RONA वाली है, और ये विलियमसन कंटिन्यूअस है, ये एनसीईआरटी ने जिक्र, AIPMT ने जिक्र कर दिया है इसका। अब हमने इस रिएक्शन को लिख दिया ईथर, अब ये मैकेनिज्म कौन सी आती है, एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है, दिस इज SN2 रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, SN2, बोलो, तो विलियमसन वाली रिएक्शन SN2 है, ये भी रिएक्शन क्या है, SN2, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हाइड्रोबोरेशन, बिना इसके अल्कोहल पूरा ही नहीं होता, सिंपल सी बात दी, कहानी हम आपको बताएंगे, H2 पूछ सकता आपसे BH3 कैसे ब्रेक होगा, तो
तो H माइनस BH2 प्लस, पहली बात इसमें कभी कोई THF का रोल पूछ लेगा, दे के THF ना दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको मोनोमर को मेंटेन, क्योंकि BH3 याद करो केला बंद, B2S6 बनाना बॉन्डिंग B2S6 में होता ना, तो इसमें एल्कोहल डबल बॉन्ड के अक्रॉस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन के नंबर अधिक होंगे और इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। BH3 से क्या गया H और H2O2OH- से क्या गया OH, नो रीअरेंजमेंट, कोई पुनर्विन्यास नहीं होगा। H2HGOAC होल्ड टू NaBH4। एक बात सुनो बेटा, एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है किससे एल्कोहल कहां बनेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने ढूंढ के डाला है, पढ़ाया जाता मॉड्यूल में अपने है भी। तो ये है ऑक्सीमर्क्युरेशन डीमर्क्युरेशन, यहां से OH वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम, और NaBH4 से क्या जाएगा H जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा, लेकिन इसमें भी कोई पुनर्विन्यास नहीं होगा। तो यहां मामला हो जाएगा कुछ ऐसे, OH यहां से OH और यहां से H, नो रीअरेंजमेंट, मतलब आंसर कौन सा हुआ फर्स्ट, साफ सुथरी बात। HClZnCl2 कहां है बाबू क्वेश्चन, ये सुनो, जब एल्कोहल का चैप्टर खोलोगे एकदम लास्ट वाले क्वेश्चन पे चले जाओ, वहां Br और इधर HCl करके दे, HBr करके दे रखा है यहां पे, ठीक है ना, हमने वही HClZnCl2 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वहां HBr थोड़ा सा, तो यहां से H प्लस गया OH2 प्लस, H2 निकाला, यहां क्या बन गया प्लस चार, 2 डिग्री है, किसमें जाएगा 3 डिग्री में, CH3 C प्लस CH3 CH CH3 और ये CH3, यही क्या अटैक कर दोगे Cl- तो CH3 Cl- तो कौन सा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, देख लो यही अटैक कर दिया क्या Cl। बोलो NCRT की लाइन थोड़ा सा चेंज वो तो करेगा, इतना तो करेगा, HBr है तो HCl दे देगा, पिक्रिक अम्ल, जितने भी आपने एसिड सुने होंगे ज्यादातर एस्टिक एसिड है, मेलोनिक एसिड है, मैलिक एसिड है, फ्यूमेरिक है, जो भी एसिड लग गया तो उसमें CH होता है, लेकिन पिक्रिक अम्ल में COH ग्रुप के नंबर पूछे गए हैं, पिक्रिक अम्ल होता क्या है, यही तो होता है, देखो फिनॉल की कंसेंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करोगे तो बनेगा पिक्रिकेट, सुन लो, लेकिन इसमें यील्ड अच्छी नहीं आती, अच्छी यील्ड के लिए फिनॉल की पहले SO कंसेंट्रेट H2SO4 के साथ करोगे तो ऑर्थो पैरा पे क्या आ जाएगा SO3H, और उसकी आगे रिएक्शन करा दोगे HNO3 के साथ तो SO3H, इसमें इप्सो सब्स्टिट्यूशन जो भी जेई मेन में पूछ चुका है इसलिए इस लाइन को बोल रहे हैं, तीनों जगह पे क्या आ जाएगा NO2, ठीक है, इसके द्वारा लब्धि अच्छी आती है। NCRT ने कहा क्या आपकी इसकी इक्वेशन लिख दी हो, तो हमने बता दिया फिनॉल लिखो कंसेंट्रेट H2SO4 यहां SO3H यहां SO3H फिर HNO3, तो खैर ये बात आपको बता दिया कि ये भी लाइन एनसीईआरटी, पूरी लाइन रिवाइज करने की कोशिश अपनी है, पूरी लाइन आपका इस वीडियो के साथ फिनॉल चैप्टर एल्कोहल फिनॉल ईथर कंप्लीट होना चाहिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि यहां कोई COOH नहीं है। बोलो कौन सा मोर एसिडिक, एसिडिक के नाम पर चार जगह है एसिडिक स्ट्रेंथ, हाइड्रोकार्बन पहला आ चुका है, एल्कोहल अभी लेटेस्ट नहीं आया है इसलिए डाला हमने, फिनॉल का है जो चार्ट दे रखा ना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल फिनॉल और ऑर्थो क्रिसॉल मेट्राक्रिसॉल पैरा क्रिसॉल चार्ट देख रहे हो, और कार्बोक्सिलिक एसिड में तो फिनॉल प्रबल अम्ल, तो जैसे जैसे प्लस आई बढ़ेगा अम्लीयता क्या होगी कम होगी, तो इसमें पूछा है मैक्सिमम मोस्ट एसिडिक कौन सा हो जाएगा मेथेनॉल। ऑर्डर की बात करें ठीक है ना, मेथेनॉल जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी कम होती जाएगी, ठीक है सिंपल, HI एक्सेस में दे रखा है, ठीक है क्या हो जाएगा यहां लग गया आई यहां लग गया आई, आई का साइज बड़ा क्या हो गया डबल बॉन्ड HI। बोलो सही है, कौन NaOH के साथ रिएक्शन करके रेड, बोलो रुक जाओ, NCRT ने पूछा है कौन
इसी रिएक्शन को कौन HNO2 के साथ रिएक्शन नहीं देता है, कौन HNO2 के साथ रिएक्शन नहीं देता है, तो 3 डिग्री HNO2 के साथ रिएक्शन, नाइट्रो एल्केन HNO2 के साथ रिएक्शन नहीं देता है। ये आएगा किसमें, विक्टर मेयर टेस्ट में आएगा ये कहानी, ठीक है ना। हैलाइड लिया, NO2 लगा दिया, फिर HNO2, HNO2 लिया हमने तो CH3 देखना, CH3 CH2 NO2 है, और HNO2 लोगे तो O H2 निकल गया, तो CH3 C डबल बॉन्ड NOH NO2। ऐसे पूछ लेता कौन सा नाइट्रो एल्केन या हेलो एल्केन भी पूछ सकता था। तो यहां पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड NOH हो जाएगा। इसी की ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल का ही टेस्ट है, ये एल्कोहल का भी हो सकता है, हैलाइड नाइट्रो एल्केन, तो नाइट्रो एल्केन एनसीईआरटी में पूछा, थोड़ा सा हमने उसको चेंज कर दिया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री RBW या RBC टेस्ट भी इसको बोलते हैं। तो ये कहां पे है कंपाउंड, ये है कहां पे है, ये है 4th नंबर, ठीक है ठीक है। कौन सी अभिक्रिया मुख्य उत्पाद ईथर नहीं देती है, विच रिएक्शन डज नॉट गिव ईथर एज मेजर प्रोडक्ट, सुन लो बेटा। 3 डिग्री हैलाइड अगर होती है और किसी एल्कोक्साइड के साथ, तो इलिमिनेशन के द्वारा क्या बनेगा, एल्कीन, तो ये तो दे देगा DryAg2O, ठीक है। यहां 3 डिग्री हैलाइड यहां आ गया, देखो यहां आ गया ना, 3 डिग्री हैलाइड यहां आ गया, आ गया 3 डिग्री हैलाइड, तो यहां क्या बनेगा, एल्कीन, यहां बन जाएगा एल्कीन, HCl निकल गया और यहां कुछ यूं आ गया, बोलो। तो इसमें नहीं, इसमें इसमें NaCl निकल के ईथर बन जाएगा, इसमें NaCl निकल के ईथर, और ये DryAg2O, DryAg2O लिख दें, CH3 CH2 Cl AgO Ag Cl CH2 CH3, ये AgCl AgCl निकल गया, क्या बन गया, CH3 CH2 O CH2 CH3, इससे भी ईथर, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। फिनॉल की कंसेंट्रेशन 443 केल्विन, ठीक है, H प्लस ले जाते हैं, क्रॉस रेजोनेंस किस में ले गए हम, सिंपल में, प्लस माइनस H प्लस, बोलो बोलो भाई, ठीक है। इसमें बेंजीन बन गया, पूछ ले इसमें DU, तो आप DU बता देना, बेंजीन आंसर हो गया, थर्ड DU पूछ ले, DU बता देना, फोर्थ 4DU हो जाएगी इसके, यहां देखो सिंपल, इस पर भी काम हो चुका है, हाँ। फिनॉल NaOH, ठीक है ना, एल्कोहल NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करता, ये लाइन सब हम बोलते जा रहे हैं, उसको पकड़ते जाओ बात, ONA, अब यहां से क्या निकाल लोगे, NaBr, क्या आ गया, बेंजीन के ऊपर OCH3, ऐसे करके एक बार आगे, फिर कंसेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 देता तो पैराप ले जाते, लेकिन यहां सिंपल कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ये कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। ये लाइन में करेक्शन है एल्कोहल फिनॉल ईथर पे, इसलिए हमने दिया है बच्चों एल्कोहल फिर ईथर फिर एल्केन, क्योंकि एल्कोहल में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एल्कोहल फिर ईथर फिर एल्केन, तो कौन सा है, ABC, ABC, बोलो। डाटा वाइज क्वेश्चन जानबूझ के डाला हमने, कौन सा मोर एसिडिक है, क्योंकि पिक्रिक एसिड भी कार्बोक्सिलिक एसिड में है, ये तो फिनॉल में आ गया, और कार्बोक्सिलिक एसिड में इस चीज को दे रखा है, तो डाटा वाइज है, इसमें तुम देखोगे ट्राई ब्रोमो ट्राई क्लोरो का, और पिक्रिक एसिड में इसकी पीके वैल्यू कम आती है, मतलब ये मोर एसिडिक हो जाएगा, इसको ध्यान रखना, डाटा देखोगे ट्राइफ्लोरो उससे भी अधिक है, ठीक है। 36 हाइड्रोबोरेशन डबल बॉन्ड के क्रॉस OH वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन के नंबर अधिक, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां देखो दिख रहा है डबल बॉन्ड, यहां हाइड्रोजन कोई नहीं है, यहां एक है, तो यहीं क्या लगा दिया OH, तो
आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। कोई रीअरेंजमेंट इसमें नहीं होगा। क्लियर, साफ सुथरी बात। ये चूंकि तो आईटी में भी आया क्वेश्चन है। अब इसमें देखो, इधर हमने पूरा ले लिया सीरीज, माइनस एम बढ़ेगा, एस डी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, सीधी बात। ऑर्डर भी इसमें हम कर देंगे। इसमें देखो सिंपल फिनॉल, इसमें प्लस आई प्लस एच, इसमें माइनस एम, लेकिन इसमें दो माइनस एम, तो सबसे देखो जाएगा फोर। ये तो आंसर हो गया अपना। ऑर्डर की बात करें तो 4312, 4312 NaBH4 लाइन एनसीईआरटी की इंटेक्स। NaBH4 डज नॉट रिड्यूस एस्टर, NaBH4 डज नॉट रिड्यूस एस्टर। सुन लो, NaBH4 किसका इसका रिडक्शन करता है? हैलाइड का कर लेगा, CH डबल बॉन्ड NH का कर लेगा, साइनाइड का नहीं करेगा, ठीक है। एसिड क्लोराइड का भी कर लेता है, एल्डिहाइड का कर लेगा, कीटोन का कर लेगा, तो NaBH4 एस्टर का रिडक्शन नहीं करता है। मतलब मामला कौन सा हुआ? ये तो OH में चला जाएगा, OH और COCH3, COOCH3 ना एस्टर, इसको टच नहीं करेगा, ये ऐसे रहता है। LiH4 दे देते तो यहां OH हो जाता, यहां CH2OH, CH3OH हो जाता, ठीक है। 39 कौन सा जो NaSCO3 के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा? सुन लो, सल्फोनिक एसिड एस्टी के और एसिड बेंजोइक एसिड या एस्टिक एसिड ये कर लेगा, और पिक्रिक एसिड कर लेता है, और एक स्क्वायरिक एसिड भी कर लेता है, ठीक है ना, स्क्वायरिक एसिड भी कर लेता है। अब कौन नहीं करेगा? फिनॉल NaSCO3 नहीं करेगा, लेकिन एक बार क्रम भी पूछा है तो जैसे जैसे माइनस एम लगाते जाओगे रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी, इसलिए पिक्रिक एसिड तो कर लेता है। तो कौन नहीं करेगा? फर्स्ट नहीं करेगा, फिनॉल एल्कोहल एल्काइन ये सब नहीं करते। 40 सेकेंडो में ल्यूकास टेस्ट कौन देगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और या 3 डिग्री से अधिक स्टेबल, तो 3 डिग्री कौन सा है इसमें? कौन सा है? 4, ठीक है। ल्यूकास टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है इसमें। 41 फिर वही, हेलो, NaBH4 एस्टर को टच नहीं करेगा, एसिड को टच नहीं करेगा, LO डबल बॉन्ड O को, NaBH4 एसिड का नहीं करता है, एस्टर का नहीं करता है, एनहाइड्राइड का नहीं करता है, लाइन एनसीईआरटी। तो OH को टच कर लिया, कीटोन को कर लिया, तो OH हो गया, COOH को कोई टच नहीं करेगा, और एस्टर को कोई टच नहीं करेगा, तो आंसर कौन सा हो गया आपका? सेकंड, बोलो, ठीक है। NaBH4 डज नॉट रिड्यूस एसिड एस्टर एनहाइड, ठीक है। 42 ये क्वेश्चन देने के पीछे हमारा एक काम है कि जेई मेन में इसको पूछ लिया है, एनटीए ने इसको जेई मेन में पूछ लिया, इसलिए हमने इसको दिया है कि कौन सा कंसंट्रेट H2O किसी भी कंडीशन में नहीं बनेगा। तो सुन लो पहले, 413, 443 उसकी तो बात कर ली, ईथर बन गया 413 पे, 443 पे क्या बन गया? एल्कीन बन गया, लेकिन अगर उससे भी कम टेम्परेचर करेंगे तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा, फोर्थ बन जाएगा, ठीक है। तो नहीं प्राप्त होगा वो होगा एसिटिलीन, और बनने को इथाइलीन बन जाएगा, टेम्परेचर हाई रहेगा, 413 हो तो ईथर बन जाएगा, और उससे भी कम टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। उठ के सीधे आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। यहां देखो एल्कीन हमने कहा था ना किया है, एल्कीन वाला दिया एक जगह, हाँ, इसको घुमाया प्लस और ये माइनस, क्या बन गया? क्यूमीन। अब O2 OOH, ये क्या है? क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड, इसी की डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कर देते तो क्या बन जाता? फिनॉल और एसीटोन, ध्यान रखना इसको, ठीक है। दो बार इसका जानबूझ के जिक्र, इसमें आंसर हो गया थर्ड। 44 अब देखो यहां पे किस लिए दिया हमने, इस क्वेश्चन की वजह से दिया है कि बच्चे नहीं कि H2KTOCO3 क्या करेगा सर, तो जो एल्कोहल एक्वस KOH करता है, जो एक्वस NOH करता है, वही एक्वस K2CO3 करता है, तो ये तो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड के ठीक बगल में क्या लगा दिया? Br, और H2O K2CO3
यही क्या लगा दिया, OH. बोलो तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्ड. ठीक है, ठीक है बेटा. एस्टरीफिकेशन क्या देखेंगे हम, स्टेरिक हिंडेंस. तो क्या हो जाएगा सबसे अधिक, जिसमें स्टेरिक हिंडेंस कम है, तो ए हो गया. देखो ए फिर बी फिर सी. एल्कोहल भी होता तो आप ऐसे ही काम करते, तो ए बी सी कहां गया, ए बी सी. ए आंसर कौन सा हो गया, फोर. बोलो बेटा 46. सॉल्युबिलिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर वेट के तो बॉइलिंग पॉइंट, सुन लो बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी दोनों की बात सुन लो. बॉइलिंग पॉइंट आप देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर वेट और ब्रांच बढ़ने पे कम होती है. ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या देखना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे अधिक क्या है, और मॉलिक्यूलर वेट की वो क्या होती है, इनवर्सली सॉल्युबिलिटी. लेकिन यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां तीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख रहे हो, यहां दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां एक है. तो सबसे अधिक हो जाएगा सी बी ए. सी बी ए कौन सा आंसर हो गया, फोर. ग्रेन स्प्रिट, एनसीईआरटी ये भी लाइन सुन लो, वुड स्प्रिट और ग्रेन स्प्रिट. वुड स्प्रिट कौन सा होता है, मेथेनॉल. मेथेनॉल को क्या कहते हैं, वुड स्प्रिट, कास्ट स्प्रिट. ग्रेन स्प्रिट कौन सा, एथेनॉल. ग्रेन स्प्रिट कौन सा होता है, एथेनॉल. और लाइन जो बोल रहे हैं उस बात को, वुड स्प्रिट, ग्रेन स्प्रिट, और इसको कहते हैं रबिंग एल्कोहल, आर यू डबल बी आई एन जी, रबिंग एल्कोहल. ठीक है, ये क्या है, ग्रेन, और ये क्या है, वुड स्प्रिट, और ये है फिनॉल, जिसको कहते हैं कार्बोलिक एसिड. तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड. विक्टर, बात वही आरबीडब्ल्यू टेस्ट. वन डिग्री, टू डिग्री, थ्री डिग्री, विक्टर मेयर टेस्ट आए हुए हैं एग्जाम में, आया भी है, अभी भी आ रहे हैं सब कई बार, इसलिए वन डिग्री, आर बी डब्ल्यू या सी, आर बी डब्ल्यू या आर बी सी टेस्ट. तो वन डिग्री क्या देगा, रेड, टू डिग्री ब्लू, थ्री डिग्री व्हाइट और कलरलेस, व्हाइट और कलरलेस. तो टू डिग्री कौन सा है, ये है ब्लू कह रहा है ना, ये हो गया. 49, टर्शरी एल्कोहल कौन देगा, अरे फॉर्मेल्डिहाइड क्या दे देगा, प्राइमरी, एस्टेल्डिहाइड सेकेंडरी, बेंजल्डिहाइड सेकेंडरी, एसीटोन लो, CH3, CO, CH3, किसी भी ग्रिग्नार रिएजेंट, CH3, MgBr, प्लस और ये माइनस, माइनस और ये प्लस. ठीक है, CH3, देखो सही है, मजा आया तो सूचित करना, देखना ना, हो गया OMGBr. तो यहां ओ एम जी बी आर और H प्लस ओ एच माइनस, माइनस और ये प्लस, तो CH3 CO H CH3 CH3. बोलो तो एसीटोन के साथ क्या दे देगा, 3 डिग्री एल्कोहल. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही आएंगे, ध्यान से सुन लो. यहां B2S6 के साथ हमने एसिड दे दिया है, क्या दे दिया है, एसिड. तो BS3 से क्या जाता था, H. और सुन लो, यहां एसिड हो या H2O हो, यहां से क्या जाएगा, H वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा. तो यहां से जाएगा H यहां, यहां जाएगा H यहां. तो सिंपल CH3 CH2 CH3. अगर बेटा एसिड की जगह पे H2O होता तो भी क्या जाता, एच. तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3. बोलो हो गया, सुन लो बात, हो एसिड होता या H2O, वहां से भी क्या जाता है, H. H2O2OH- तब जाता है OH. ठीक, शानदार बात. फिर आ गई इसमें AIPMT ने क्या दिया है, OH दिया था, और यहां पे NOH दिया था, यहां एक रिंग करके BR जोड़ा था, हमने थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया, यहां क्या हो जाएगा, ONA. अब यहां CH3 CH2 BR,
क्या हो जाएगा, एन ए बी आर क्या आ गया, ओ सी टू एच फाइव का ओ सी एच टू सी एच थ्री, कौन सा है सेकेंड आंसर, कौन सा है सेकेंड आंसर, 52, बोल भाई 52, ओ से क्या जुड़ा है टर्सरी, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी एसर वन, मतलब आई वहां जाएगा जहां कार्बोकेटायन स्टेबल, तो देख लो बेटा देखना H प्लस आई माइनस, यहां आई और यहां H, तो ये बन जाएगा टर्सरी, आई हो गया तो ये हो गया और ये एल्कोहल, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं है ना, एक्सिस या वन इक्विवेलेंट एक्सिस होता तब ये बन जाते थर्ड, बोलो ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया फर्स्ट 53 एल्कोहल, जानबूझ के देखिए NaOH होता तो रिएक्शन नहीं होती, C2H5OH है तो C2H5ONa हो गया, और यहां पे सिंपल CH3Br दिया तो C2H5OCH3, आंसर कौन सा हो गया सेकेंड, ठीक है, ये भी एक साल में बहुत पहले 17-18 साल पहले CH2N2, यहां से N2 निकल जाएगा, CH2 इसमें इंसर्ट करेगा और यहां क्या हो जाएगा OCH3, डाइएजोमीथेन FeBr3Br2, यहीं पे पैरा पे क्या चलाएगा Br, क्योंकि हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है, ठीक है, उसमें वैसे ऑर्थो वाला ऑप्शन भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा सेकेंड 55 एल्कोहल कि डायल्यूट H2SO4 है ही एनसीईआरटी में, घुमाया प्लस और ये माइनस, प्लस पांच की रिंग किसमें खुलेगी छह में, प्लस 2 डिग्री किसमें जाएगा 3 डिग्री में, प्लस यही क्या जोड़ दोगे OH माइनस, क्या हो गया आंसर सेकेंड 56। अब यहां देखो ऑक्सीमर्क्यूएशन डीमर्क्यूएशन है, लेकिन वहां लिया था हमने H2O, यहां क्या है CH3OH, तो यहां माइनस और यहां प्लस, तो यहां से OCH3 यहां जाएगा और NaBH4 से H, तो CH3 CH OCH3 और CH3 सेकेंड। इसको देखा गया है कहां एनसीईआरटी कौन सी लाइन सब मामला क्या थोड़ा सा चेंज हो सकता है कहां पे क्या कर सकता है, CRO3 दिया है, PCC दिया हो, PDC ये किस में चला जाएगा डबल बॉन्ड हो, अब प्लस और ये माइनस PHMGBR, तो ये माइनस और ये प्लस, तो यहां हो जाएगा OMGBR और यहां क्या हो जाएगा आपका PH, H प्लस OH माइनस OH और यहां क्या हो जाएगा PH, कौन सा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बोलो बेटा जोन्स रिएजेंट, जोन्स CRO3 H2SO4 इन एसीटोन, 1 डिग्री एल्कोहल एसिड, लेकिन यहां क्या दे रखा है 2 डिग्री एल्कोहल किसमें जाएगा कीटोन में, आपसे जोन्स रिएजेंट ही पूछ सकता है भाई, अरे बेटा जोन्स रिएजेंट ही पूछ सकता है एनसीईआरटी, उस लाइन को है 1 डिग्री एल्कोहल एसिड, बोलो अरे मजा आया काम इसमें बढ़िया, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, सिंपल एल्कोहल है, सिंपल फिनॉल, यहां माइनस एम और यहां क्या लग रहा है माइनस आई, ऑर्डर की बात करता है तो 3 4 2 1, लेकिन इसमें पूछा है कौन प्रबल कौन स्ट्रॉन्ग थर्ड, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मजा आए तो सूचित करना, जिंक डस्ट, ये जिंक देखो सब सारी रिएक्शन आ गई सारी, कोई छूटी और कोई छूटी भी तो हमने आप तक पहुंचा दिया, बोलो जिंक डस्ट, जिंक डस्ट क्या होगा बेटा, ZnO निकल गया बेंजीन, अब बेंजीन और O3H2 है, O3 ZnH2 है तो डबल बॉन्ड काट के O लगाते सिंपल छोड़ देते, लेकिन O3H2 है तो डबल बॉन्ड काटो O लगाओ, एल्डिहाइड है तो एसिड, एल्डिहाइड है तो एसिड, तो ये कुछ ऐसा है, बोलो डबल बॉन्ड काटा ओ ओ ओ ओ, तो यहां बन गया CHO CHO,
लेकिन यहां Zn नहीं है तो ये किस में चला जाएगा, COH COH क्या बन गया, सेकंड, ठीक है बोलो, ठीक है अब ये बात हो गई, ठीक है बेटा। अब सुनो आराम से, ऐसे हेलोजन डेरिवेटिव, एल्कोहल फिनोल ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कंटेनिंग पॉलीमर बाय मॉलिक्यूल, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी आपको करनी है तो आप निश्चित निश्चित इस साल डॉक्टर बनना ही है आपको, क्योंकि दिन आपका है, सब चीज आपके फेवर में है, ठीक है। तो आराम से एनसीईआरटी को करो, कॉपी करो, मॉड्यूल करो, मॉड्यूल के बाद डीटीएस पे फोकस करो, इतना, इसके बाद टाइम मिलता है जेई मेन के पुराने साल के क्वेश्चन करो, इतना ही काम आपको करना है और कुछ भी नहीं करना बेटा। तो जीत निश्चित ही पक्की है और आप अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाओगे, ठीक है। थैंक यू, जय सी एल सी।